हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको इस चैनल पर। IIT, JEE, नीट, बैंकिंग, किसकी आपको जो तैयारी करनी है सब कीजिए बिल्कुल 100% फ्री में। यहाँ पर जैसे हम कक्षा 11वीं संस्कृत में कोर यानी भास्वती, हमारी पुस्तक कौन सी है कोर के लिए भास्वती, इलेक्टिव के लिए शाश्वती। तो यहाँ पे अभी हम भास्वती का चतुर्थ पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऋतुचर्या। यानी ऋतु में हर ऋतुओं की ऋतुचर्या जो हमारा पाठ है, इस पाठ में हमें ऋतुओं में हमें कैसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, हमारा कैसा खान पान होना चाहिए, इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो जैसा कि ये पाठ का सार हम देखेंगे, लिखा है ये जो पाठ है महर्षि अग्निवेश द्वारा मूल रूप में लिखित है। मूल रूप में किन ने लिखा है, पहले महर्षि अग्निवेश ने, तथा महर्षि चरक द्वारा प्रति संस्कृत चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित किया गया है। और ये पाठ कैसा है, महर्षि अग्निवेश द्वारा मूल रूप में लिखित और महर्षि चरक द्वारा, महर्षि चरक जो हुए हैं वो भी हमारे आयुर्वेद के महान ऋषि हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं उन नामक आयुर्वेद के ग्रंथ से संकलित किया गया है। चरक संहिता जो है महर्षि चरक ने जिनको लिखा हुआ है उनने आयुर्वेद में, यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक रूप से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं है ना, हमारी वनस्पतियों द्वारा या किन्हीं भी किसी भी खनिज लवणों द्वारा या फिर वनस्पतियों द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनका कैसे प्रयोग करके रोगों का समाधान किया जाए, ये चरक संहिता में बताया गया है। आयुर्वेद इसी को कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम प्राकृतिक जो चीज़ें हैं प्रकृति ने हमें दी हुई हैं और प्रकृति के हिसाब से हम अपनी कैसे अपनी दिनचर्या को या फिर हम अपने हर ऋतु के हिसाब से किन नियमों का पालन करें कि हम स्वस्थ रहें, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ मतलब एक निरोग रहने के लिए आयुर्वेद एक कर की रचना की गई। और आयुर्वेद में चरक संहिता महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो इस ग्रंथ के 6ठे अध्याय में है ना, कौन सा है हमारा चरक संहिता, उसमें विभिन्न ऋतुओं में आहार से संबंधित नियम बताए गए हैं कि हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। कितनी ऋतुएं होती हैं, 6 होती हैं भाई। ऐसे कहा जाए तो मूलतः हम 3 मानते हैं कि गर्मी, सर्दी और बारिश, लेकिन गर्मी में भी 2 प्रकार की होती है, कम गर्मी और ज़्यादा गर्मी। ऐसे ही बारिश में होती है तो कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे ही सर्दियों में भी कम होती है और ज़्यादा होती है। अर्थात अगर देखा जाए तो 3 की जगह 6 हो जाती है। इनके नाम भी हम जानेंगे कि ये 6 ऋतुएं हमारी हैं कौन सी, और इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि इन ऋतुओं में किस प्रकार का मौसम रहता है और कैसा हमें यहाँ पे आहार का पालन करना चाहिए, आहार के कैसे नियमों का पालन करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई गर्मियाँ होती हैं और हमें किसी चीज़ को खा लेने से ऐसा होता है, किसी चीज़ का हमने सेवन कर लिया और वो हमें नुकसान कर गया, तो हमें भाई उल्टियाँ होने लगी, कोई कुछ हो गया, होने लगते हैं, बुखार आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्यों एकदम से ऐसा हुआ कि उस वो चीज़ हमारे अंदर गई और उसने ऐसा परिवर्तन किया कि हमें नुकसान हो गया। अब जैसे सर्दियाँ होती हैं उसमें कभी कभी ये होगा कि अगर हमने रात में लेके दही खा लिया, अब दही कैसा होता है, ठंडा होता है, हमने दही खा लिया, सुबह उठ के देखा तो हमें सर्दी जुकाम हो गया है ना, हम खांसने लगे, हमें सर्दी हो गई, जुकाम हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि किन्हीं किन्हीं ऋतुओं में, हर एक ऋतु में एक नियम होता है कि आपको आपके समय जब ऋतु में मौसम ऐसा है कि बाहर सर्दी हो रही है तो हमें कैसे आहार हम लें कि हम स्वस्थ रहें, तो ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ऋतुचर्या में अपनी दिनचर्या में किंचित यानी कुछ परिवर्तन करके व्यक्ति दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकता है। संकलित पद्यों में हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन 6 ऋतुओं में मनुष्य को अपनी भोजनचर्या किस प्रकार की रखनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया है। तो हेमंत से शुरू है बात। हेमंत ऋतु हमारी मान लो कि दिसंबर के बाद वाला जो आदि दिसंबर से मान लीजिए कि आदि जनवरी तक का महीना कैसा हो जाता है, हेमंत का मान लिया जाता है। फिर इसके बाद शिशिर ऋतु आती है, शिशिर में हमारी ठंड ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि क्योंकि जो हमारे हिंदी के और अगर अंग्रेजी के महीनों को थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। शिशिर यानी ठंड, अच्छी शीत ऋतु, तो अब उसमें हमारी कैसी दिनचर्या हो। शिशिर ऋतु जब खत्म होती है, गर्मी का आगमन होने वाला होता है, उस समय के ऋतु
को कहते हैं, जो हमारा कहें कि फरवरी के बाद और मार्च के पहले का जो महीना, मार्च यानी अप्रैल के पहले का जो मार्च महीना है और फरवरी के बाद का जो एक अच्छा जो मौसम होता है वो हमारी कौन सी होती है, वसंत ऋतु कहलाती है, जिसमें ना गर्मी होती है और ना ठंड होती है। फिर इसके बाद में फिर अप्रैल से शुरू हो जाती है तो हमारी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, ग्रीष्म खत्म होती है तो फिर वर्षा ऋतु आ जाती है, और वर्षा ऋतु के बाद में वर्षा विगत शरद ऋतु आए शरद ऋतु आ जाती है, यानी जो हमारा कौन सा वर्षा खत्म हुई, वर्षा यानी अगस्त तक खत्म होते होते सितंबर तक समाप्त हो जाती है, और फिर इसके बाद सितंबर अक्टूबर का जो महीना हो जाता है तो वो हमारा शरद का हो जाता है। तो अगर दो दो के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर शरद हो गया, तो नवंबर दिसंबर हेमंत हो गया, जनवरी फरवरी हमारी शिशिर हो गई, मार्च अप्रैल में वसंत हो गई, मई जून में हमारा क्या हो गया ग्रीष्म हो गई, और जुलाई अगस्त हमारी वर्षा हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम अपने 12 महीना को अपने देख सकते हैं कि इन इन ऋतुओं में कौन कौन सी, इन दो दो महीनों के अंतराल में हमें कैसे भोजन की अपनी हमारी भोजनचर्या है यानी भोजन की जो आदतें हैं उनको हम कैसा परिवर्तित करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस ऋतु में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, ये पाठ का सार है। फिर पाठ का सार एक बार आप हिंदी में पढ़ लेंगे तो आपको जो संस्कृत के श्लोक आएंगे तो जल्दी समझ में आने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहला जो हेमंत ऋतु है उसके बारे में अपन देख लेंगे कि उसमें कैसा करना चाहिए, फिर शिशिर में कैसा कीजिए। तो कह रहे हैं कि किस ऋतु में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, इसका अत्यंत सटीक वर्णन प्रस्तुत पाठ में संकलित पद्यांशों में किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिक हैं तथ्य जो भी हमारे यहाँ पर भले ही हजारों वर्ष पूर्व के ग्रंथ बनाए गए हैं लेकिन वो आज भी वैज्ञानिक रूप से सही है। हेमंत ऋतु में, हेमंत जो ऋतु होती है नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि दूध, गन्ने के रस से बने हुए पदार्थ, दूध या गन्ने के रस से बने हुए पदार्थ, घी, तेल, नए चावल, गर्म पानी का सेवन करने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है, साथ ही शरीर में वायु तत्व की वृद्धि करने वाले हल्के, अच्छा शरीर में अगर जिन चीज़ों से वायु तत्व की वृद्धि होती है, गैस बनती है हमारे अंदर, ठीक है, सामान्य भाषा में समझ में आ रहा है कि जो हमारे अंदर गैस होती है तो हम भाई डकार आने लगती है, कुछ होता है, पेट में भारीपन होने लगता है, तो कह रहे हैं शरीर में वायु तत्व की वृद्धि करने वाले कैसे हल्के खाद्य और पेय पदार्थ या जो के पानी से बने पदार्थ तथा ताजी हवा का सेवन हमें छोड़ देना चाहिए। उस समय नहीं जाना चाहिए कि फ्रेश एयर घूमने जा रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर में क्या होता है, ठंड आने लगती है, धीरे धीरे आने लगती है, खुली हवा में जाओगे तो क्या होगा, हमारा शरीर उस तापमानों के लिए तैयार नहीं होता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इसमें हेमंत ऋतु के बारे में आते हैं। फिर आते हैं शिशिर ऋतु की बात, तो शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु के समान ही खाद्य पदार्थ पेय का सेवन करना चाहिए, शिशिर में भी हेमंत ऋतु जैसे ही, क्योंकि वही सर्दी वाली ही चीज़ें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इन चार महीनों को अपना ठंड का हम एक मौसम मान लेते हैं, तो शिशिर ऋतु में भी कहा गया है कि हेमंत ऋतु के समान ही खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे दूध और गन्ने के रस से दूध से बनी चीज़ें और गन्ने के रस से बनी हुई चीज़ें है ना, इनका खाद्य और हल्के जो खाद्य या पेय पदार्थ होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो के पानी से कोई बने पदार्थ होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, ताज़ी हवा का सेवन भी छोड़ देना चाहिए शिशिर में भी, ठीक है, तथा कड़वे और क्या लिखा है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, तथा कड़वे तीखे कसेले अन्नपान आदि से परहेज करना चाहिए, यानी कड़वे हो तीखे हो, यानी अब इस समय पे जैसे मान लो कि कड़वे यानी करेला तो उन ऋतु में नहीं खाते हैं, गर्मियों में ही आता है, ध्यान कीजिए है ना, कड़वे तीखे कसेले ऐसे अन्न या पान यानी पीने योग्य वस्तुओं से हमें परहेज करना चाहिए, किसमें, शिशिर ऋतु में। फिर वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों द्वारा प्रेरित, फिर वसंत ऋतु में क्या होता है, क्या होने लगता है, धीरे धीरे गर्मी का आगमन होने लगता है ना, ग्रीष्म ऋतु का, ग्रीष्म यानी गर्मी, गर्मी ऋतु का आगमन के पहले वसंत ऋतु आती है, हल्की हल्की ठंड से हम गर्मी की ओर बढ़ते हैं, तो वसंत ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणों द्वारा प्रेरित व शरीर में बढ़ा हुआ कफ अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है, तो इसलिए वसंत ऋतु में स्वास्थ्य रक्षण के लिए वमन आदि योगिक क्रियाएँ करनी चाहिए। अब यहाँ पे योगिक क्रियाएं भी सिखाई हैं, योग द्वारा वमन यानी वमन का अर्थ क्या होता है, उल्टी, ये भी
करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि करनी चाहिए, तथा भारी और अम्लीय और तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हेमंत ऋतु में वही बात है ना कि हमारे कौन सी फरवरी मार्च की बात हो जाए, तो कह रहे हैं उस समय पर हमें वसंत ऋतु में भारी अम्लीय यानी एसिड जिसमें ज़्यादा होता है, वैसे एसिडिटी करवाने वाले ऐसे पदार्थों का, भारी और भारी का मतलब वजनदार नहीं, भारी यानी तेलीय युक्त हो जाते हैं रब, तो हम कहते हैं कि बहुत हैवी खा लिया। क्यों? किसी भोजन को खाने से हमें बहुत हल्का महसूस होने लगता है, और किसी को करते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत भारी भोजन कर लिया, वो पाचन में दिक्कत हो रही है। तो ये ऋतुओं का भी एक समय के हिसाब से ही उन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, तेलीय पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है वसंत ऋतु में, क्या होता है सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ जो कफ होता है वो अनेक रोग, बड़ कफ की मात्रा जब बढ़ जाती है तो अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए वसंत ऋतु में हमें स्वास्थ्य रक्षण के लिए वमन आदि योगिक क्रियाएं करनी चाहिए, तथा भारी अम्लीय और तैलीय पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में स्वादिष्ट रसीले शीतल द्रव्य, तो हम भाई हमारे जो खरबूज होता है, तरबूज होते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि इस समय पे वो कैसे होते हैं, रसीले होते हैं। क्यों? सूर्य के ताप के द्वारा हमारे पानी, हमारी जो शरीर होता है उसके पानी का क्षरण होने लगता है, कमी होने लगती है। तो हम उसमें क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में स्वादिष्ट रसीले शीतल द्रव्यों का सेवन हितकर होता है, साथ ही घी दूध चावल आदि का सेवन भी लाभकारी होता है। घी दूध चावल भी हम खा सकते हैं इस ऋतु में, परंतु लवण, लवण का अर्थ क्या, नमक, ज़्यादा नमक है ना, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय कैसे होते हैं भाई, जिनसे अम्लता, जिन पदार्थों में अम्लीयता ज़्यादा होती है उनको हम अम्लीय भोजन कहते हैं। कड़वे और गर्म पदार्थों का सेवन गर्मी में नहीं करना चाहिए, और जबकि देखो तो इसीलिए होती है, कड़वे का मतलब हुआ करेला। अब करेला गर्मियों में ही ज़्यादातर आता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसके लिए लिखा है कि गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, कड़वे का नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब इस समय पे ऐसे आ जाएँ चीज़ें तो लोग खाते भी हैं बड़े शौक से, वैसे बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन कई लोगों को बड़ा शौक भी होता है करेले खाने का, भरवा करेले बना लो तो, लेकिन देखिए ग्रीष्म ऋतु में वर्जित है। अब वर्षा ऋतु में अत्यधिक वाष्पीकरण, अब वर्षा ऋतु में क्या होता है कि पानी जैसे ही गिरता है तो पृथ्वी कैसी है, तपी हुई है अच्छी गर्मी से, गर्मी के मौसम में खूब सूर्य के ताप से गर्म हो चुकी है, और जब ऐसे ही पानी गिरता है तो जैसे गर्म तवे पे पानी डालो तुरंत भाप निकलती है उसमें से, ऐसे ही जैसे ही गर्म पृथ्वी पर पानी गिरता है तो वो भी वाष्प के जैसे क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। तो कह रहे हैं वर्षा ऋतु में अत्यधिक वाष्पीकरण से, वर्षण तथा अन्य भौगोलिक कारणों से, वर्षा से और अन्य जो भौगोलिक कारण होते हैं उनसे जो अग्निबल है वो छीन हो जाता है। अग्निबल यानी क्या होता है, हमारा अग्नाशय, अग्नाशय को जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे हम पैंक्रियाज कहते हैं, हमारे शरीर में अग्नि तत्व पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में मौजूद होता है। वो क्या करता है कि हमने जो भोजन का सेवन किया है उसका दहन कर देता है, यानी उस वो सड़े ना तो उसका क्या कर देता है, उसको इतने टेम्परेचर का गर्म कर देता है कि वो खराब होने से बच जाता है। मतलब एक हम सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, हमारी वैज्ञानिक भाई चीज़ें हैं, मशीनरी जो भगवान ने फिट की है बहुत ही साइंटिफिक बनाई है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि वर्षा ऋतु में जब चारों ओर ठंडा मौसम होने लगता है तो इन भौगोलिक कारणों की वजह से अग्निबल जो होता है वो छीन हो जाता है, वायु कुपित हो जाती है, मतलब वायु तत्व तो कैसा हो जाता है, कुपित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वायु रोग की को शांत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खट्टे नमकीन तैलीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। कह रहे हैं खट्टे नमकीन और तैलीय पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। अच्छा, अब समझ में आई कि तैलीय पदार्थ बारिश होने पर क्यों पकौड़े तले जाते हैं, अब समझ में आई बात इस बात का, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है तैलीय पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, अरे यार तो बारिश हो गई, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े बना लेते हैं, अरे आज तो चीले बन जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, है ना।
शरद ऋतु में तो भाई बड़े बूढ़े जो बनवाते थे वो इसीलिए नहीं बनाते थे, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को जानते थे, इसीलिए ये परंपराएं चली कि चलो बारिश हो रही है तो अच्छे गरम गरम पकौड़ियाँ बन जाएंगी, खा लेंगे, तेलीय होता है इसलिए। शरद ऋतु में फिर क्या करना चाहिए जी, मतलब मान लीजिए हमारा कौन सा हुआ यहाँ पे सितंबर अक्टूबर वाला महीना, तो कह रहे हैं शरद ऋतु में विविध कारणों से पित्त कुपित हो जाता है। तो अब विविध कारण कैसे हो गए कि अब एकदम से बारिश से ठंड की ओर बढ़ने लगे, तो जब सर्दी की ओर बढ़ने लगे हैं और गर्मी भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं होती है, गर्मी भी होती है बारिश के बाद वाली, गर्मी भी होती है और शरद मतलब ठंड का आगमन भी होने वाला होता है, तो वो बड़ा ऐसा मौसम होता है बीच का, ना वो ठंड कहें ना उसको गर्मी कहें, तो इस कारण से पित्त जो होता है हमारा, पित्त किस पित्ताशय किसको कहते हैं, गाल ब्लैडर को कहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से गाल ब्लैडर में से जो होता है उसमें पित्त रस जो होता है वो कुपित हो जाता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, इसलिए पित्त को की शांति के लिए मीठे तीखे खाद्य पेय पदार्थों का सेवन हमें अल्प मात्रा में करना चाहिए। पित्त की शांति के लिए मीठे और तीखे दोनों तरह की बता दी, खाद्य और पेय पदार्थ यानी खाने योग्य भी और पीने योग्य भी, लेकिन अल्प मात्रा में करना चाहिए, ये नहीं है कह दी तो अब हम उन्हीं का सेवन खूब सारा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख कर ही हम अपने पहले श्लोक पे चलेंगे जिसमें लिखा है हेमंतः, हेमंत ऋतु की बात हो रही है अब इसमें। अब हेमंत ऋतु में यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाई देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं गो रसानी, गो रसानी, अब यहाँ पे गो यानी गाय की बात हो गई, गो रसानी रस, गो के रस, गोरस कौन कौन से होते हैं, कहते हैं बड़े गोरस पी रहे हैं, एक बड़ी कहावत थी कि मतलब हम जब बचपन में छोटे थे तब बुंदेलखंड में कहते थे अरे उन्हें नहीं बड़े गोरस मिल रहे, ऐसे कह देते थे जब कोई बात होती थी ना, तो अरे नहीं उन्हें बड़े गोरस मिल रहे, भाई उधर नहीं जा रहे गोरस पीने के लिए, तो बुंदेलखंडी में बड़े प्यार से इस चीज़ को कहते थे, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे कि गोरस किसको कहते, पानी को कहते हैं कि किसको कहते, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अब समझ में आया कि गो यानी गाय और रस, रस यानी गाय के दूध से, गाय से जो उत्पन्न चीज़ें हैं, गाय के दूध से हमारा दही बनता है, दही से छाछ बनती है, छाछ में से जब उसको मथा जाता है तो घी अलग निकल आता है, तो ये क्या हो गए, गाय के रस हो गए, गोरस हो गए, उनको गोरस कहा जाता है, गोरस ना कह के गोरस कह देते थे, लेकिन गोरस अब समझ में आया कि भाई गोरस होता क्या है, तो कह रहे हैं गोरसानी यानी गो के यानी गाय के रस, अब गाय के रस कौन से हो जाएंगे, गाय के द्वारा उत्पन्न रस कौन सा हो जाएगा, दूध दही छाछ और घी। अब इन्होंने कहा गोरसान, अब गोरसान अलग कर दीजिए क्योंकि गोरसों को यहाँ पे देखिए हमारा गोरसान द्वितीय विभक्ति से ना हलंत वाला शब्द अलग निकले तो यहाँ से हमारे पास में छोटी ई निकल आएगी, ना को आधा करो ना को में से स्वर हटाओ तो ना रह गया आधा और यहाँ हो गया इक्षु, इक्षु इक्षु यानी गन्ना, इक्षु का अर्थ क्या हुआ, गन्ना, विकृति यानी गन्ने के रस की, अब यहाँ पे क्या हुआ, विकृति यानी इक्षु यानी गन्ने के का पेय पदार्थ, गन्ना का पेय पदार्थ क्या होता है, उसका रस, तो कह रहे हैं गो रसान इक्षु विकृति वसाम, विकृति है, अब ये विकृतिर वसान लिखा है तो रिवसा का अर्थ तो कुछ नहीं होता, ये रा जो है वो कहाँ से आया है, विकृति में यहाँ पे विसर्ग होगा सुरत्व संधि से, वो हमारा रा में परिवर्तित हो गया, आगे चला गया था तो हमने जब विग्रह किया तो उसको अलग कर दिया, तो ये हो गया गोरसान इक्षु विकृति वसा, वसा यानी चिकनाई युक्त वसा, अब कह रहे हैं तेलम, तेल युक्त चीजें, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, चीज़ें तो बता दी, आगे पढ़ेंगे अपन कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो कह रहे हैं गोरसान इक्षु विकृति वसा तैलम नव यानी नए औदनम, नए औदनम यानी हमारे नए चावल, तो नव औदनम, औदनम ओदन किसको कहते हैं, हमारे चावल को, आ और ओ के मेल से औ की मात्रा बनी सो बन गया नवौदनम, ठीक है, नव ओदनम यानी नए चावल, अब इनका क्या करना चाहिए, हेमंते यानी हेमंत में, हेमंत ऋतु में, अब इस अवग्रह को आ में बदल दीजिए तो ये क्या हो गया, अभ्यस्त,
अभ्यस्त। अब यहाँ पे हमने इसको जो सात हाउस का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे संधि युक्त, क्योंकि तोय अलग निकल रहा था, तोयम अलग निकल रहा था, उष्णम अलग निकल रहा था, तो हमने इस सा को क्या किया, इस आधे सा को विसर्ग में बदल दिया, तो ये हमारा बन गया अभ्यस्त। अभ्यस्त यानी जो अभ्यास करता है, अभ्यास रहता है या फिर सेवन करता है अपने अभ्यास में, अपने सेवन के अभ्यास में। हेमंत ऋतु में जो व्यक्ति अभ्यस्त अभ्यस्त रहता है यानी इन्हीं चीज़ों का सेवन करता है, तो यम, अब माँ को अलग कीजिए, तो माँ हुआ हलंत से अलग, तो ये हो गया उष्णम। उष्णम यानी उष्ण का अर्थ क्या हुआ, गर्म या गुनगुना, है ना। तो क्या कह रहे हैं, तोयम, तोयम का अर्थ क्या हुआ, पानी, पानी कैसा पियो, उष्णम यानी गर्म पानी पियो। च, और जो गर्म पानी का सेवन करते हैं, तो च के बाद चा अकेला क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि च होता है अव्यय जिसका अर्थ होता है और, ठीक है। तो बड़े बड़े आ की मात्रा से क्या अर्थ निकल रहा है, बोले निश्चित बात है कि आगे कोई आ वाला शब्द इसमें जुड़ा था, इसीलिए यहाँ पे दीर्घ संधि के नियम से चायुर्ण बन गया। अब चायुज से हम अलग ना को अलग कर दें, तो आ अगर यहाँ से तोड़ें तो चायु जो बना हुआ है, च और आयु निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि बड़े आ को हम अगर दो आ में तोड़ दें, ये हमारा जो बड़ा आ है इसका विग्रह करें, इसमें चा में छुपा हुआ बड़ा आ उसका विग्रह करें, तो भाई बड़ा आ कहाँ बनता है, दो आ के मिलने से। तो पहले हम दो छोटे छोटे आ में हम तोड़ लेते हैं, तो ये आयु हो जाएगा, तो आयु का अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको बड़ा कर देंगे तो ये आयु हो जाएगा। च जो आधा हो गया था, क्योंकि बड़ा आ तो ही तो हम तोड़ रहे थे, तो च में आ लगा दें तो च पूरा हो जाएगा। हाँ, तो कहेंगे ये अव्यय के हिसाब से ये भी सही है और आयु के हिसाब से ये भी सही है, तो ये चायु हमारा क्या बना, च आयुहु। उष्णम च बीच के लिए है, कहते हैं हेमंत में, और हेमंत में जो अभ्यस्त अभ्यस्त रहते हैं, तो यम उष्णम, और गर्म पानी का जो सेवन करते हैं, च आयु न हीयते। अब कहेंगे ये जो र है उसका मतलब क्या है, ऋण का मतलब क्या है, ऋण का मतलब कुछ नहीं होता है, ये र जो है वो विसर्ग संधि से आया है, रत संधि से। तो यहाँ पर अब हम इनको अलग आपको करके दिखाएं, तो क्या बनेंगे, हेमंते, हम यहाँ पे विग्रह करके बताते जाते हैं आपको, पहले लिख देते हैं गो रसान, चलो यहाँ तो लिखे ही है ना, यहाँ तो लिखा ही हुआ है गो रसान इक्षु विकृति ही वसाम तेलम नवौदनम उष्णम तोय सॉरी च अभ्यस्त आयुः न हीयते। अब आयुः शब्द में विसर्ग था, आगे कौन सा पांचवा अक्षर था, विसर्ग के बाद तीन चार पांच अक्षर आ जाता है, तीसरे चौथे या पांचवें नंबर का अक्षर आ जाता है, कहाँ का, व्यंजन वर्गों का, व्यंजन वर्ग कौन से, कचट तप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन पांच वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ जाए तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन विसर्ग के पहले कोई मात्रा होनी चाहिए, तब अगर मात्रा नहीं है तो, अगर सिंपल आ है तो वही विसर्ग उन्हीं सबके होने के बावजूद भी ओ की मात्रा में बदलता है, तो ये रत और उत के नियम होते हैं, उत्व संधि और रत्व संधि के नियम होते, तो ये कहा आयु न हीयते, उसकी आयु का कभी भी क्षय नहीं होता है, उसकी आयु नहीं घटती है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला श्लोक हो जाता है, गोरसानी इक्षु विकृति वसाम तेलम नवौदनम हेमंते अभ्यस्तस्य तोयम उष्णम चायुर्न हीयते, चायुर्न हीयते, तो च आयु न हीयते। इस प्रकार से हम अगर इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो कहेंगे गोरसान इक्षु विकृति ही वसाम तेलम नव ओदनम हेमंते अभ्यस्त तोयम उष्णम चा आयु न हीयते, यानी गोरस यानी गाय के से उत्पन्न जो रस होते हैं, तो दूध, दूध से दही बनता है, दही से छाछ बनता है, जब छाछ दही को मथा जाता है तो छाछ अलग हो जाती है उसमें से, जिसको मट्ठा भी कहते हैं हम, और उसमें से घी अलग निकाल देते हैं, मक्खन बनाते हैं, मक्खन से भी तपाते हैं तो घी बन जाता है, तो वो गोरस हो गए सब। और इक्षु विकृति क्या होगा कि गन्ने के रस से बनी चीज़ें, या गन्ने की रस का प्रयोग
वसा यानी चिकनाई युक्त, तेलम तेलीय युक्त, नवोदनम नए चावलों का, हेमंत में अभ्यास रखने से और किसका तोयम उष्णम और गर्म पानी के अभ्यास में रहने पर सेवन करने पर आयु ना हीयते, आयु का हनन नहीं होता है, आयु हमारी नष्ट नहीं होती है, आयु में वृद्धि होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा हुआ है वर्जयेत। अब क्या लिखा है, वर्जयेद अन्नपानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम। अब ये हेमंत की ही बात हो रही है। प्रवातम प्रमिताहारम उद। अब देखिए उद मंथम आहारम लिखा हुआ है तो हमने इसको उमद मंथम कह दिया। क्यों कह दिया, उद मंथ इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रमित आहारम शब्द हमारा अलग हो रहा है तो उद मंथम अलग हो जाएगा, हिमा गमे अगर साथ में पढ़े तो क्या हो जाएगा, प्रमिताहारा मुद मंथम, मुद मंथम। अब मुद मंथम का अर्थ क्या निकलेगा, अब जैसे ही कई भाई श्लोक या हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है मुत्तमम। अब उत्तमम क्या होता है तो ये उत्तमम हो जाता है माँ किसी आगे वाले शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई चा शक्ति तो च आसक्ति अलग कर देंगे, चास्ती। अब चास्ती का अर्थ क्या होता है, चास्ती का तो च अलग करें और अस्ति अलग हो जाएगा, है ना। तो भाई विग्रह करने से हमें अर्थ सही पता चल जाते हैं। तो अब आगे फिर उन्होंने इनका सेवन करना कह दिया और फिर कह रहे हैं कि हिमागमे यानी हिम के आगमन में, जब हिम का आगमन हो जाए यानी जैसे ही अब हिम का आगमन होता है तो हेमंत की एक ऋतु नवंबर की ऐसी होती है जिसमें कम ठंड होती है और दिसंबर तक बढ़ते बढ़ते ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है हेमंत ऋतु में। तो कह रहे हैं हिमागमे, तो दिसंबर में आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो हिम प्रदेश हैं, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, उनमें हिमपात शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा हिमागमे, हिमागमन पर क्या करना चाहिए, वात लानी लघुनी अन्न पानानी, यानी जिससे वात लानी और लघुनी, तो वात उत्पन्न हो यानी वायु रोग, वायु की अधिकता हो जाए हमारे पेट में, तो ऐसे हल के अन्न पानानी यानी अन्न और पान, यानी अन्न यानी खाने योग और पीने योग प्रवातम प्रमित आहारम, इस प्रकार के प्रवात प्रमित आहार का उदमंथम और उदमंथम यानी जो के पानी से बने हुए चा वर्जित, इनको वर्जित कर दिया गया है। तो अब हम कहाँ से इसको पढ़ेंगे, हम अर्थ कहेंगे कि हिमागमे यानी हिम के आगमन पर वात लानी, वात और कफ जिससे उत्पन्न हो, ऐसे लघुनी और हल्के, वात लानी यानी वात और कफ जिससे उत्पन्न हो ऐसे, और लघुनी और हल्के भोजन का, अब क्या करना था, अब यहाँ पे चा कह दिया कि वात लानी लघुनी, वात और कफ उत्पन्न करने वाले और हल्के क्या, वर्जित होने चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, किनका, वर्जित को अलग कीजिए तो यहाँ से दा को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अन्न पान पानानी, यानी अन्न और पान, यानी अन्न यानी खाने योग्य पदार्थ, पान यानी पीने योग्य पदार्थ, जो कैसे हो, बोले ऐसे हिम आगमन पर वर्जित यानी वर्जित कर देना चाहिए अन्न पानानी, अन्न और पान करने योग्य जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनका, खाद्य या पेय पदार्थ, अन्न क्या हो गया खाने योग्य पदार्थ, पान का अर्थ हो गया पीने योग्य पदार्थ, तो वर्जित करने चाहिए हिम आगमन पर, वर्जित करना चाहिए ऐसे अन्न और पीने योग्य पेय पदार्थों का जिनसे वात लानी च लघुनी, जो वात और कफ को उत्पन्न करें और जो हल्के हों उनका क्या कर देना चाहिए, उनको वर्जित कर देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक बार हम देख रहे थे इसको कि वात उत्पन्न करने वाले कौन से होते हैं, अब कहाँ की बात है, हिमागमे पे कह रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी ही विचित्र बात अच्छी पढ़ने में आई कि जल्दी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह दिए तो पीने योग्य पदार्थ होते हैं तो वैसे ठंडे में तो पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे खाने योग्य में जैसे बाजरा हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, और आपने थोड़ा ध्यान कीजिए कि आजकल जो है कि ठंड में ही मक्की की रोटी, बाजरा, ज्वार ये सब चीज़ें बनती हैं
और वात उत्पन्न करने वाले कुछ अगर खाद्य पदार्थों को देखें तो उनमें आपके अन्न में देखी जाए तो कौन से हुए, जौ, मक्का, बाजरा, ये वात उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसी के साथ में यानी वायु संबंधी रोग हम उत्पन्न करने वाले हैं। इसके साथ साथ में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इनका भी क्या किया है, वर्जित किया गया है। लेकिन आप देखिए कि ठंड के मौसम में यही मिलती हैं ज़्यादातर, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, हम यही सब चीज़ें खाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो अस्वस्थ होते हैं वो क्यों होते हैं, हम खान पान की वजह से। जब चरक संहिता में आचार्य चरक ने आयुर्वेद में लिखा है तो हमें उसको पालन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि वर्जयेत अन्न, वर्जयेत यानी त अलग किया, दा में से ता कैसे बनेगा, जशत्व संधि के नियम वाला अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्जित यानी वर्जित तो कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अन्न पानानि, अन्न यानी अन्न का और पीने योग्य पेय पदार्थ का, जो कैसे होते हैं, वातलानि, वात उत्पन्न करने वाले होते हैं और हल्के होते हैं, उनका नहीं करना चाहिए सेवन। प्रवातम, प्रवात वात यानी वायु होता है, वात का अर्थ क्या होता है, वायु। अब कहते हैं कि भाई कफ और जो वात होता है उसके रोग कफ से उत्पन्न कौन से माने जाते हैं, सिर से जो हमारी छाती होती है उसके आधे भाग तक जो भी रोग होते हैं वो कफ के बिगड़ने से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शरीर के भाग के हिसाब से कहते हैं उसके नीचे वाले, उसके नीचे जब जाओ तो फिर वायु से उत्पन्न रोग हो जाते हैं, फिर पित्त से हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर की संरचना भी कफ, पित्त और वात, ये तीन चीज़ें अगर बिगड़ जाती हैं हमारे शरीर में, इनका संतुलन हो जाता है तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं और क्या उन्होंने कहा कि प्रवात, प्रवात यानी खुली हवा, प्रवात का अर्थ क्या हुआ, खुली हवा में, खुली हवा में। प्रमित यानी कम आहारम, कम आहार को, यानी कहते हैं ना कि सर्दियों में खूब अच्छे से खाओ पियो, क्यों कहते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि उस समय हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है। तो कह रहे हैं प्रवातम खुली, वर्जित, वर्जित होना चाहिए यानी नहीं करना चाहिए, खुली हवा में वर्जित है घूमना। प्रमितम आहारम, कम आहार को खाना वर्जित है यानी अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ। अब कह रहे हैं उदमंथम, उदमंथम का अर्थ क्या हुआ, जोश के, जो से बने हुए जो पेय पदार्थ होते हैं उनका हिमागमन पर, हिमागमन पर वर्जित होना चाहिए। हिम आगमन में या हिम के आगमन पर के कौन से, वातलानी लघुनी च, अब कह रहे हैं वात उत्पन्न करने वाले और हल्के, अन्न पानानी, अन्न और पेय पदार्थों का, और किसका कह रहे हैं, और प्रवातम का, और खुली हवा का, और प्रमित आहारम, और प्रमित आहार को, और उदमंथम, और जो से बने हुए कोई भी जो पेय पदार्थ हैं उनका वर्जित, उनका हमें क्या कर देना चाहिए, उनको हमें वर्जित कर देना चाहिए यानी उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इसके हम शब्दार्थ बता देते हैं, वैसे तो हम साथ साथ में बताते ही गए हैं। गोरासान का अर्थ हुआ दूध से बने पदार्थों को। अब इक्षु विकृति यानी गन्ने के रस से बने हुए, अब इक्षु वृत्ति क्या हुई, इक्षु विकृति, अब गन्ने की विकृतियां क्या होंगी बताइए, गन्ने को जब किस में डाला जाता है बताइए, उसकी चरखी में, ठीक है, जब उसको चरखी में डाला जाता है तो उससे रस निकलता है। अब इक्षु से विकृति उसकी हो रही है, उनसे रस बना, गन्ने का रस निकला, गन्ने के रस से फिर क्या क्या बना, गन्ने के रस को फिर जब तपाया गया तो गुड़ बना, गुड़ को ही साफ किया गया तो शक्कर बनी। तो कह रहे हैं इक्षु विकृति यानी गन्ने के रस से बने गुड़, शक्कर, चीनी आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वसाम, घी को खाना चाहिए, कहते हैं कि खूब घी पियो। नव कहते हैं नवोदनम यानी नए, नव ओदनम नए चावलों को खाना चाहिए। अभ्यस्त ग्रहण करने की आदत होनी चाहिए। ना हीयते उसकी कम नहीं होती है, क्या नहीं होती है, आयु। ना हीयते आयु कम नहीं होती है, आयु बढ़ती है। वर्जित छोड़ देना चाहिए। वातलानी वायु को बढ़ाने वाले, लघुनी हल्के, प्रवातम यानी ताजी हवा को कहेंगे, प्रमित आहारम यानी अल्पहार आहार को, यानी कहते हैं लाइट डाइट, कहते हैं हल्की सर्दियों, कहते हैं कि सर्दियों में अगर आप कम खाना खाते हो तो भी बीमार पड़ जाते हो, क्योंकि सर्दियों में हमारी जो पाचन शक्ति वो खूब अच्छी होती है और उस समय पर हम कम खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं तो फिर क्या होता है भाई, भूख लगेगी, सारी चीज़ें एसिड वगैरह सब निकलते हैं पचाने के लिए, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता है तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो प्रमित यानी कम आहार, अल्प आहार का
का वर्जन करना चाहिए, यानी हमें वर्जित यानी उसको वर्जित करना चाहिए, यानी खाना चाहिए, अल्प आहार नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब है कि भरपेट खाओ। अब कहते हैं उदमंतम, उदमंतम का अलग का अर्थ होता है जौ से बने पेय पदार्थ। ठीक है, अब ये हो गए हमारे भाई शब्दार्थ। इसके बाद अब हम प्रसंग देखेंगे कि इन दोनों का प्रसंग क्या आ रहा है, क्योंकि हेमंत ऋतु के दो हैं, ऐसे हर एक ऋतुओं के दो 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 करके श्लोक दिए गए हैं। तो प्रस्तुत श्लोकों में हेमंत ऋतु में ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य पदार्थों के विषय में बताया गया कि कौन से ग्रहण करो और किन को छोड़ दूँ। हेमंत ऋतु में दूध से बने पदार्थों को, गन्ने के रस से बने गुड़ आदि पदार्थों को तथा घी तेल नए चावल को और गर्म पानी को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, अभ्यस्त होने वाला व्यक्ति कैसा होता है? आयु से वियुक्त नहीं होता है, ना ही यदि उसकी कभी आयु कम नहीं होती है, अर्थात वही लिखा है आयु से वियुक्त नहीं होता है अर्थात उसकी आयु कम नहीं होती है, आयु बढ़ती है। इसलिए हेमंत ऋतु आने पर हेमंत ऋतु के आने पर वायु को बढ़ाने वाले हल्के खाद्य पेय पदार्थ, वात जनित वात को उत्पन्न करने वाले ऐसे कोई भी हमें हल्के खाद्य पेय पदार्थ, ताजा हवा का सेवन, अल्पाहार और जौ से बने पदार्थ इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात इनको छोड़ देना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे हेमंत ऋतु में। भावार्थ है अत्र भावम भावः अयम, यहाँ पर यह भाव है, अत्र भावः अयम विद्यते, विद्यते यानी विद्यमान है, यहाँ पर भाव यह विद्यमान है यत कि हेमंत ऋतु में वयम हम गरिष्ठ पदार्थानाम, जो गरिष्ठ पदार्थ है सेवन कुर्याम, हमें गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गरिष्ठ पदार्थ कैसे होते हैं? भारी भारी पदार्थ कैसे होते हैं? कहते हैं ना खूब आलू के पराठे बनाए सर्दियों में, क्यों बनाते हैं? क्योंकि अच्छा भाई भोजन पचाने की क्षमता रहती है, तो आप घी तेल का खूब सेवन कीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो कह रहे हैं वयम हमें गरिष्ठ पदार्थानाम सेवनम कुर्याम, हमें गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यतो ही इसीलिए, क्योंकि एतत् यह स्वास्थ्याय लाभकरम भवति, ये स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। तथा च और विविधानी और विभिन्न प्रकार के लघुनी वातलानी अन्नपानानी हेमंते नाव सेवयानी, और विभिन्न प्रकार के जो हल्के होते हैं वायु जनित रोग उत्पन्न करने वाले अन्न आदि और अन्न और पेय पदार्थों का हेमंत में हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ना सेवनी यानी नहीं सेवन करना चाहिए। तो ये आपका भावार्थ बन जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कि संधि कहाँ कहाँ हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्षुर विकृतिर वसाम जो लिखा होता है ना, इक्षु विकृतिर वसाम, तो वो रा कहाँ से आया था वसा के पहले? वो हमारे विसर्ग से आया था। तो जैसे ही हमने वसा को अलग किया तो ये जो रा था उसको हमने विसर्ग में बदल के लिख दिया, तो ये रत संधि का नियम था यहाँ पे। नवौदनम, औ की मात्रा कहाँ आती है? आ और ओ के मेल से, तो नव और ओदनम से हमने इसको विग्रह कर दिया, नव ओदनम मिलकर बना नवौदनम। ठीक है, अब लिखा है हेमंते। अब यहाँ पे हमने आपको पहले जब पढ़ा रहे थे तभी बताया था कि भाई ये जो अवग्रह है देखिए उसको आ में परिवर्तित कर दीजिए, और आ के पहले अगर ए की मात्रा हो तो समझ जाना यहाँ पूर्व रूप संधि का नियम लगा है, अर्थात हेमंते आगे वाले वर्ण में हमें कोई परिवर्तन, आगे वाले शब्द में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हेमंते हमने अलग लिख दिया, अभ्यस्त अलग लिख दिया, और विसर्ग की मात्रा विसर्ग हमने लगा दिया, क्योंकि ये सा के बाद अगर आधे सा के बाद हमें सीधा ता दिखे, समझ जाइए कि ये जो सा है ता के योग से विसर्ग से बदला हुआ है। तो ये सत्व संधि का नियम हुआ, तो ये अभ्यस्त तो यम अलग कर दिया, उष्णम अलग हो गया। ठीक है, तो ये भाई हमारे इस प्रकार से विग्रह हो गया। चायूर्ण किससे बना? चा आयु, तो च और आयु से अलग किया, फिर से रा आ गया, कहाँ से आया है ये रा? इस पे नहीं है, इस पे है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आयूर्ण, ठीक है, दो मात्राएं नहीं है, ये आयूर्ण इस प्रकार का शब्द है, तो र हमारा विसर्ग में बदल गया, तो आयु न अलग कर दिया। वर्जियत, अब हमने कहा था कि ये जो द है वो कहाँ से आया है? द बना है द और आ से, और ये जो आधा दा है वो कहाँ से आता है? आधे ता से आता है। भाई आधा ता
आग स्वर व्यंजन के योग में अपने तृतीय वर्ण दा में बदल जाता है और उसमें आगे वाला स्वर है वो जुड़ जाता है, तो पूरा दा उसने बना दिया। तो ऐसे करके भाई ये कहानी है जशक्त संधि वाली। तो यहाँ पे हमने मूल रूप निकाला तो ये हो गया वर्जयेत अलग हुआ और आ निकला था सो वो अन्न में जुड़ा और पानानी अलग कर दिया। भाई अन्नपानानी एक साथ में कर दिए क्योंकि यहाँ पे अन्नपान दोनों को एक द्वंद्व समास से जोड़ दिया गया है। हिम आग में हिम अलग कीजिए, आगमने अलग कीजिए, हेमंत ऋतु हिम आगमे के से भी दर्शन बताया गया है। अब इसमें पद परिचय में देख लीजिए, गोरसान शब्द में भाई कौन सी विभक्ति है, ना हलंत आता है द्वितीया के बहुवचन में, तो कहेंगे गोरस इसमें मूल शब्द है, द्वितीया के बहुवचन में इसका रूप लगा देते हैं। हेमंत मूल शब्द है, इसमें हेमंत ऋतु का नाम होता है, एक ही मात्रा सप्तमी के एक वचन से आई है। यहाँ पे हम हेमंते में ये बहुवचन की जगह हम इसको एक वचन कर देंगे क्योंकि वे सप्तमी के एक वचन में ये परिवर्तन होता है। ठीक है, लघुनी लघु शब्द में द्वितीया का बहुवचन, तो इसमें लघुनी शब्द सही है क्योंकि फलम फले फलानी नी जहाँ पे आता है वो प्रथमा के बहुवचन में भी आता है, द्वितीया के बहुवचन में भी आता है। लेकिन अगर को का अर्थ निकल रहा है तो हम द्वितीया का बहुवचन बता देंगे, अगर केवल नाम है तो प्रथमा का बहुवचन बता देंगे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति किसी का नाम बताने के लिए या कर्ता के लिए प्रयोग होती है, लेकिन जो हमारी द्वितीया विभक्ति होती है कर्म के लिए प्रयोग होती है। तो यहाँ पे हो रहा था ना कि लघुनी यानी हल्के भोजन को का अर्थ निकल रहा था, इसलिए का भाव इसमें आ गया है। पद परिचय में धातुएं देख लेते हैं, हियते कहां से बनी है, हा धातु में जब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाते हैं तो हा धातु हियते बनती है। अब इसके बाद में देख रहे हैं हम कि वर्जयेत में वृज धातु जब विधिलिंग लकार में बनता है उसका रूप, तो प्रथम पुरुष एक वचन में वर्जयेत बन जाता है, एत एताम एयु हमने पढ़ा ही है अपना। ठीक है, ते एते अंते कहाँ बनते हैं, आत्मनेपद में, जो हा धातु है वो आत्मनेपद में अपना रूप कैसे बनाती है, हियते ते एते अंते दिख रहा है तो ते कहाँ आएगा लट लकार में, ती तहा अंति की जगह ते एते अंते दिखाई दे, समझना है तो बात लट लकार की, लेकिन परस्मय से वो आत्मनिपद में आ गई है सो ये ती तहा अंति की जगह ते एते अंते दिख रहा है मैं अंत में। ठीक है ना, तो लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप बन जाएगा। चलिए आगे लिखा है गोरसान समास कीजिए, यानी गो का रस तो हो जाएगा गोह रसान, समास विग्रह हो गया, इक्षु विकृति यानी इक्षु की विकृति है, तो यहाँ हो जाएगी इक्षोह विकृति, षष्ठी विभक्ति से अलग कर दिया। नवो उदनम तो नया नए चावल, अब नया शब्द भी क्या बता रहा है कि केवल विशेषण बन रहा है, तो ओदनम में प्रथमा है तो नव शब्द में भी क्या हो जाएगा प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, तो हो जाएगा नवम ओदनम। यहाँ पे नव ओदनम जो शब्द है वो क्या कह रहा है कि नया चावल, यहाँ नया का चावल नहीं कह रहे हैं, नए को चावल नहीं कह रहे हैं, नए मैं चावल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नए चावल, यानी नया शब्द क्या बता रहा है चावल की विशेषता। तो ओदन शब्द चावल कैसे लिखा है ओदनम प्रथमा विभक्ति में, तो नव में भी नव को भी हम नपुंसक लिंग जैसा ओदनम जैसा बना देंगे तो नव भी बन जाएगा नवम यानी नया। ठीक है, और लिखा है अन्न पानानी च, अब यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है, अन्न और पान यानी अन्न यानी खाने योग्य पदार्थ और पान यानी पीने योग्य पदार्थ, दोनों को हमने विग्रह कर दिया, तो अन्न में अलग विभक्ति लगा दी क्योंकि जो दोनों में अन्न देखिए अन्न और पान दोनों को लिखने के बाद में एक साथ में आनी जैसे फलम फले फलानी हो जाती है, तो ऐसे ही अन्न और पान में इकट्ठी एक विभक्ति लगा दी। तो जैसे ही इसको विग्रह करो तो अर्थ क्या निकलेगा, जैसे खाना और पीना, हिंदी में कहते हैं खाना और पीना, तो खाद्य और पेय, तो यहाँ पे खाद्य यानी अन्न हो गया, पेय यानी पीने वाला हो गया, दोनों को जब जोड़ा था तो एक विभक्ति कर दी थी, लेकिन अलग किया तो अन्न को अपनी विभक्ति दे दो, पान को अलग विभक्ति दे दो, तो अन्नानी अन्नानी और पानानी दोनों हमारे अलग हो गए, चा का पीछे लगा दो, और जो द्वंद्व समास का होता है वो चा पीछे लगाया जाता है, अन्नानी पानानी चा। अब लिखा है प्रमित आहारम यानी कम आहार, कैसा अल्प आहार, तो प्रमित शब्द किसकी विशेषता बता रहा है आहार की, तो यहाँ पे विशेषण विशेष बन रहा है ना, प्रमित शब्द आहार की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे भाई कर्मधारय समास हो जाते हैं जहाँ पे विशेषण विशेष होते हैं, तो यहाँ पे आहार में कौन सी विभक्ति है आहारम, तो प्रमित शब्द भी आहार जैसा अपना रूप बदल लेगा, हो जाएगा प्रमितम आहारम। ठीक है, विशेषण विशेष हमेशा एक विभक्ति में होते हैं, हम छठवीं से दसवीं तक पढ़ाते पढ़ाते यही चले आ रहे हैं आप लोगों को। अब वातलानी यानी वातम लांती यानी तानी, यानी जो वात को उत्पन्न करें उनको वातलानी कहा जाता है,
तो ये हो गए समास विग्रह। विग्रह आए तो उनको समास कैसे बनाओगे, इन विभक्तियों को हटा देंगे और हमारे एक कर देंगे उनको, और हमारा पीछे की विभक्तियों को कोई कुछ हम नहीं छेड़खानी करते हैं, आगे वाले शब्दों की विभक्तियों को हटा के पीछे वाले शब्द में जोड़ देते हैं तो समास हो जाता है। ठीक है, केवल जो हमारे भाई जो बहुव्रीय समास होते हैं ना उनमें बस होती है परेशानी, यह सह लिख जाता है, तस्मिन लिख जाता है, तो इस प्रकार से सिर्फ उसमें ही हमें थोड़ा ध्यान करके बनाने पड़ते हैं, बाकी तो सभी ऐसे ही हमारे बन जाते हैं अच्छी तरह से, है ना। और सिखाए भी हैं हमने, है ना, अव्ययी भाव समास में क्या करते हैं हम, उपसर्ग होता है उसको अव्यय में बदल देते हैं, आपको सिखाया है ये खूब अच्छे से। प्रत्यय में अब देखेंगे भाई, प्रत्यय देख लेते हैं कि किस में क्या लिखा है। इसमें अस अभ्यस्त जो बना हुआ है उसमें कह रहे बताया जा रहा है कि अभी उपसर्ग में अस धातु और शत्रि प्रत्यय लग जाने से जब उसमें षष्ठी विभक्ति को चल लगाया जाता है तो वो अभ्यस्त बन जाता है। अब प्रमित में प्र और मी और इत्त प्रत्यय में हमारा प्रमित शब्द बनता है। चलिए अब देख लेते हैं अगले हम अपने श्लोक को, जिसमें कि अब आपको शिशिर ऋतु के बारे में बताया गया है। हेमंत ऋतु मतलब कह दिया नवंबर दिसंबर की बात हो गई, तो अब आई जनवरी फरवरी, जिसको हम जिन दो महीनों को हम शिशिर ऋतु में जाना जाता है, शीत ऋतु यानी ठंड। ठीक है, अब ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हेमंत शिशिरऊ, हेमंत और शिशिर दोनों की बात हो रही है। हेमंत और शिशिर तुल्यऊ यानी तुलना अगर की जाए कि हेमंत और शिशिर की तुल्यऊ यानी अगर तुलना की जाए तो शिशिरे अल्पम, अवग्रह को आ में बदलेंगे तो अल्पम विशेषणम, कि हेमंत और शिशिर की अगर तुलना की जाए तो शिशिर में अल्पम विशेषणम, थोड़ा सा ही विशेष चीज़ें होती हैं। विशेष रूप से क्या होती हैं, कहते हैं मेघ मारुत वर्षजम शीतम और रोक्ष्यम कहते हैं आदानजम। तो कहते हैं कि केवल एक थोड़ी सी ही विशेषता होती है, नहीं तो जो हेमंत और शिशिर होते हैं वो एक समान ही होते हैं, लेकिन कह रहे हैं हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरे अल्पम विशेषणम रोक्ष्यमादानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम। तो कह रहे हैं हेमंत और शिशिर तुल्य, इन दोनों की जब तुलना की जाए तो शिशिर में अल्प विशेषणम, थोड़ी सी विशेषता ये होती है कि रोक्ष्यम, एक तो थोड़ा सा रूखापन बढ़ जाता है, कहते ना सर्दी आई खिची खिची बोरो प्लस लगा लो, क्योंकि रूखापन खिची खिची त्वचा सब आता है ना, तो यहाँ पे रोक्ष्यम यानी रूखा। आदानजम शीतम थोड़ी सी ठंड, किससे, मेघ मारुत वर्षजम, मेघ यानी बादलों से, मारुत यानी हवा से, वर्षजम यानी और वर्षा, कभी कभी वर्षा भी हो जाती है, तो उससे शीतम थोड़ी सी शीतलता विशेषणम विशेष होती है, ज़्यादा विशेषता होती है। आदानजम खाने पीने और अन्न आदि में भी, उन्होंने कहा अन्न आदि से भी उत्पन्न होने वाली बस इतनी सी ही विशेषता अलग होती है और बाकी कुछ समान होता है। फिर कहते हैं तस्माद हेमंतिकः सर्वः शिश्रे विधि ऋष्यते निवातम निवातम उष्णम त्वधिकम शिश्रे गृहमाश्रयेत। लिखे हैं तस्मात् जिससे, तस्मात् जिससे हेमंतिकः सर्वः, जिससे कि हेमंत और सर्व कुछ शिशिर में विधिर इष्यते यानी बिल्कुल वैसी ही विधि का पालन, इष्यते यानी पालन करना चाहिए शिशिर में, सारी उन्हीं विधियों का शिशिर में भी हेमंत जैसी, हेमंत कह हेमंत जैसी सारी विधियों का ही पालन हमें शिशिर में करना चाहिए, जिससे कि तस्मात जिससे कि हमें क्या करना चाहिए, उससे उस वजह से बस थोड़ी सी शीत अधिक होती है, ठंडक अधिक होती है, बाकी तो सब अलग होता है। तस्मात जिससे हेमंत कह सर्वः, हेमंत में जो काम कहे गए हैं वे ही सब शिशिर में विधिरिष्यते, विधि ही इष्यते शब्द से ये मिलकर बना है, तो हम विधि शब्द को इस प्रकार से करेंगे और इष्यते को अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा विधि ही ऋष्य, यानी वही विधि हमें अपनानी चाहिए। अब और क्या करना चाहिए, निवातम, निवात यानी नी यानी नहीं, वात यानी जिसमें हवा ना जाए, तो ऐसे निवातम यानी ऐसे घर में रहना चाहिए ग्रहम आश्रय, ग्रहम और आश्रय,
कैसे घर में रहना चाहिए? निवातम ग्रहम, निवात जो घर हो जिसमें, और कैसा हो? उष्णम, थोड़ा सा गर्म हो, जो जिसमें हवा ना पहुंचे, जो गर्म हो, ऐसे घर में आश्रित, ऐसे घर में आश्रय हमें लेना चाहिए, यानी ऐसे घर में हमें रहना चाहिए। तो अधिकम शिशिरे, बस शिशिर में हमें इतना अधिक और कर लेना चाहिए कि हमें निवात, निवात और उष्ण, और उष्ण घर में आश्रय लेना चाहिए। हमें गर्म गर्म और जहाँ हवा ना आए ऐसे घर में हमें रहना चाहिए, क्योंकि क्या होती है, शीत, वहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। शिशिर में शीत कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। किससे? मेघ मारुत वर्षजम, मेघ मारुत और वर्षा से। इनसे क्या होती है, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब कहते हैं, अब खाना पीना क्या खाओ? तो कह रहे हैं कटुती। वैसे तो बाकी खाने पीने की चीज़ें तो कह दी, जैसे हेमंत में खाइए वैसी ही आप इसमें खाओ, लेकिन थोड़े से और विशेष क्या कह दिया उन्होंने, कटुती यानी कटु तिक्त लिखा है। कटु यानी कड़वा, तिक्त यानी होता है तीखा, और कषायाणी यानी कसेले, ठीक है ना, जब कड़वे होना, मीठे होना, खट्टे हो, कसेले हो जाते हैं। कहते कटु यानी हमारे कड़वे, तिक्त यानी तीखे, कषायति कसेली, वातलानी लघु नीचा, और वात उत्पन्न करने वाले यानी वायु रोग को बढ़ाने वाले, और हल्के वर्जित, वर्जित अन्न पानानी शिशिरे शीतलानी चा, शिशिर में शीतल और ठंडे वर्जित, और भी कह रहे हैं वो शीतलानी शिशिर में देखिए कौन कौन सी चीजें मना की गई हैं, कह रहे हैं कटु तिक्त कषायाणी यानी कड़वे तीखे और कसेले, वातलानी यानी वात उत्पन्न करने वाले, लघु नीचा और हल्के, और भी क्या कह रहे हैं, और यहाँ से पहले वर्जित को अलग करें, यहाँ से दा कुत्ता बना दें, यानी वर्जित कर देना चाहिए, तो वर्जित को अलग करें तो यहाँ से हमारे सामने निकल के आएगा अन्न पानानी, अन्न पानानी यानी अन्न पान आदि कैसे, शीतलानी ठंडे अन्न पानानी, ठंडा खाना और ठंडे पेय को शिशिर ऋतु में क्या कर देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, उनको हमें वर्जित कर देना चाहिए। किन किन की बात कह रहे हैं कटु तिक्त कषायाणी यानी कड़वे तीखे और कसेले, वातलानी वायु उत्पन्न करने वाले, लघु नीचा और लघु यानी हल्का भोजन, वर्जित कर देना चाहिए, और भी चीज़ें हैं, और क्या, शीतलानी अन्नपानानी ठंडे शीतल अन्न और पीने योग्य ठंडा खाना। अब जैसे ठंडे खाने में क्या होती है, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा होता है कि नहीं, खाने योग्य पीने योग्य, क्या कह रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक शरबत पीना चाहिए, कह रहे हैं नहीं, शिशिरे वर्जित, शिशिर ऋतु में वर्जित कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम भाई इनके अन्वय देख लेते हैं, तो क्या लिखा है, हेम पहले वाले का ये तीसरा जो है कहाँ से कहाँ तक बनेगा, हेमंत शिशिर उत्तुल्यौ शिशिर रोक्षम आदान जम मेघ मारुत वर्ष जम शीतम अल्पम विशेषणम भवती तस्मात, जिससे क्या होना चाहिए, उससे शिशिर में हेमंत कह, हेमंत जैसा ही सर्व विधि इष्यते, सब कुछ वैसे ही विधि अपनानी चाहिए, शिशिरे तु और शिशिर में तो आपको निवातम अधिकम, जिसमें कैसी हो, निवात हो, अधिकम उष्णम, शिशिर में तो त्व अधिकम है ना, किससे बन के बना है, तू और अधिकम शब्द से बना हुआ है, तो जो थोड़ा सा अधिक उष्ण रहता हो, तो कह रहे हैं शिशिर ऋतु में, ठंड की ऋतु में तो निवातम यानी जो निवात हो, अधिकम जो अधिक कैसा रहता हो, उष्ण घर रहता हो, उसमें आश्रय लेना चाहिए। फिर यहाँ से हमारा छठ पांचवी का बनेगा शिशिरे, शिशिर में कटु तिक्त कषायाणी वातलानी लघुनी शीतलानी चा अन्नपानानी वर्जित, इन खाद्य और पेय पदार्थों का वर्जन किया गया है, वर्जित किया गया है। तो अब इनके देख लेते हैं हम शब्दार्थ, तुल्य यानी समान, एक जैसी तुलना की जाए तो एक जैसे ही हैं, दोनों समान हैं। शिशिरे शिशिर ऋतु में रोक्षम यानी रूखा आदानजम का अर्थ क्या हुआ, खाने पीने से उत्पन्न होने वाला, बस इतना ही परिवर्तन होता है कि खाने पीने से उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें अंतर हो जाता है बस। और जो मेघ मारुत, मेघ का मतलब होता है बादल, मारुत यानी हवा, वर्षजम यानी
वर्षा, तो कहते हैं मेघ वायु और वर्षा से उत्पन्न होने वाली शीत यानी ठंडक बस इतनी थोड़ी सी हेमंत ऋतु से ज़्यादा हो जाती है। हेमंती कहा हेमंत ऋतु से संबंध ही है जो हमारी शिशिर ऋतु है। निवातम यानी वायु से रहित, आश्रित यानी आश्रय करना चाहिए या रहना चाहिए, कटु तिक्त काशा यानी कड़वे तीखे और कसेले, शीतलानी यानी ठंडे, इन पदार्थों का हमें सेवन वर्जित कर देना चाहिए। किसमें? शिशिर ऋतु में। अब कहते हैं संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक में शिशिर ऋतु में किस प्रकार का खान पान व रहन सहन होना चाहिए ये बताया गया है। सरल अर्थ में हेमंत और शिशिर ऋतु प्रायः एक जैसी होती हैं, केवल मेघ हवा और वर्षा से उत्पन्न होने वाली, खाने पीने से पैदा होने वाले रूखी और शुष्क ठंड ही, रूखी और सूखी जो ठंड होती है वही शिशिर ऋतु में थोड़ी विशेष है, ठीक है। इसलिए शिशिर ऋतु में सामान्यतः हेमंत ऋतु वाली ही विधियां अपनाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिशिर ऋतु में हेमंत की अपेक्षा वायु रहित और अधिकम उष्णम अधिक गर्म घर में रहना चाहिए। शिशिर ऋतु में कड़वे तीखे कसेले और शरीर में वायु को बढ़ाने वाले हल्के और ठंडे खाद्य और पेय पदार्थों को हमें छोड़ देना चाहिए, वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। भावार्थ कहेंगे एतेषु श्लोकेषु, इन सभी श्लोकों में वर्णितम यथ, ये वर्णन किया गया है कि एवंतु वर्णितम एव, ये ही वर्णन किया गया है तु कि हेमंतः शिशिरः च, हेमंत और शिशिर सामान्यतः समानौ, समान ही है, परम च, लेकिन फिर भी, तथापि शिशिरम शैत्यम अधिकम भवति, कि बस जो शिशिर ऋतु होती है उसमें शीत यानी ठंडक ज़्यादा होती है, अतः इसीलिए अस्मिन् ऋतौ, इस ऋतु में हेमंतस्य अपेक्षा, हेमंत की अपेक्षा घरम अधिकम उष्णम कर्तुम प्रयास भवित। इसीलिए तो आग जलाते हैं, हम घरों में आग जला देंगे, अब तो चलो हीटर वीटर सब चीज़ें बन गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कोयले और लकड़ी की आग जला के कि कमरे को हम गर्म कर लेते हैं, तो हेमंतस्य अपेक्षा, हेमंत की अपेक्षा गृहम घर को अधिक उष्णम ज़्यादा गर्म कर्तुम प्रयास भवित, करने का प्रयास करना चाहिए। अन्नपान आदि, अन्नपान आदि से संबंध क्या, अन्य नियमातु समान एव, अन्य नियम तो समान ही है जैसे हेमंत के लिए बताए गए हैं। तो यहाँ पे भावार्थ हिंदी में कहेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि वैसे तो हेमंत और शिशिर ऋतुएं खान पान और रहन सहन की दृष्टि से समान ही है, फिर भी शिशिर में थोड़ी अधिक सर्दी रहती है, इसलिए इस ऋतु में घर को हेमंत ऋतु की अपेक्षा अधिक गर्म रखना चाहिए, अन्य विशेषताएं प्रायः तो समान ही है। अब देख लेते हैं इसमें आए हुए शब्दों को, तो संधि विच्छेद कहें तो शिशिरे अल्पम, वही अवग्रह का चिन्ह आ गया और आगे एक ही मात्रा लगी है आगे वाले शब्द में, अर्थात क्या करना है, आगे वाले अक्षर की एक ही मात्रा वाले अक्षर को जैसा का तैसा लिखा रहने देना है, अवग्रह को आ में बदल के विच्छेद कर देना है, ये हमारी पूर्व रूप संधि का नियम हो जाता है। तस्मात हेमंत कही, तो तस्मात अलग कीजिए, हेमंत अलग हो जाएगा, वो तस्मात द कहाँ से आया, ता से आया, तो ता को अलग किया तो हेमंत कई अलग निकल गया। विधि ऋष्यते, तो विधि, विधि ही, रा कहां से आया है, रत्व संधि से विधि ही हो गया और इष्यते को अलग कर दिया, रा को जब तोड़ा तो रा छोटी ई की मात्रा में टूट गया, यानी आधा रा और छोटी की मात्रा, आधे रा को विसर्ग में बदला, इष्यते अलग लिख दिया। तो अधिकम, तू और अधिकम शब्द से मिलकर बना है। वर्जयेत को अलग किया, तो हमारे सामने द जब दो शब्दों में टूटेगा, दो अक्षर में टूटेगा, तो त और आ में टूट जाएगा, तो त वर्जयेत को दे देंगे, अन्न पानानी अलग कर देंगे। अब चलते हैं पद परिचय। शिशिर ऋतु, शिशिर मूल शब्द होता है, सप्तमी के एक वचन में शिशिर शब्द शिशिरे बन जाता है, ठीक है। आगे तस्मात शब्द तत् का पंचमी का एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द का। चलिए पुल्लिंग क्या, नपुंसक लिंग में भी होता है तस्मात शब्द। इष्यते, इष धातु में जब लट लकार ते एते अंते है ना, तो आत्मनेपद की बात हो रही है, ठीक है। आश्रय में आ उपसर्ग हो गया, श्री धातु में हमारी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है। वर्जित हमारा वृज धातु में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है। आगे देखेंगे समास देखें तो हेमंत शिशिर, हेमंत और शिशिर दो की बात है, हेमंत और शिशिर औ, औ की मात्रा कह रही है कि द्विवचन में दोनों को जोड़ा गया है, तो इनको द्वंद्व समास से अलग कर दीजिए, विग्रह कर दीजिए, तो हेमंत की प्रथमा विभक्ति अलग दे दीजिए, शिखर शिशिर की अलग दे दीजिए, तो हो जाएगा हेमंत च शिशिर च, या
यमंत शिशिरः च, अंत में भी चा किला लिख सकते हैं और दोनों के बीच, दोनों के बाद में भी चा चा लिख सकते हैं, इस प्रकार से विग्रह हो जाता है। अब लिखा है आदानजम, कहाँ से आदानात जायते यततः, यानी खाने पीने से जब कोई चीज़ उत्पन्न होती है, खान पान से उत्पन्न होने वाली, रूखे सूखे खान पान से उत्पन्न होने वाली भाई चीज़ों की बात वक करी गई है हमारे, उसके लिए कहेंगे आदानजम जो लिखा हुआ है, आदानजम वो है आदानात, यानी आदान से खाए हुए अन्न आदि से, खान पान से जायते जो उत्पन्न होता है यततत। मेत मारुत वर्ष जम, मेघात मारुत वर्षाया जातम, जो मेघ मारुत और वर्षा से जो उत्पन्न हो, ठीक है। जो शब्द होता है जन्म का अर्थ बताता है, तो यहाँ पे ज लिखा हुआ है ना, आदान ज, तो ज कहाँ से आया है, जन्म की उत्पत्ति का कारण बता रहा है। ऐसे ही मेघ मारुत वर्षजम, वर्षज जो है, माँ तो हलंत, आदा जो है वो उसको नपुंसकलिंग रूप बनाने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। अब आगे लिखा है कटु तिक्त कषायाणी, यानी कटुश्च तिक्तम च कषायम च। अब यहाँ पे कटु का अर्थ होता है कड़वा, तिक्त का अर्थ होता है तीखा, और कषायण का अर्थ होता है कसेला। ये तीनों ही चीज़ें जैसे फलम फली फलानी जैसे हमारी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन से बन जाता है, तो सबके जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में तीनों का एक रूप किया गया है, तो हम सभी को जब विग्रह करेंगे तो सभी में हम विसर्ग दे देंगे, तो कटु हो जाएगा कटु च तिक्तम च कषायम च। इस प्रकार से ये हमारी द्वंद्व समास से विग्रह हो जाता है। अब चलते हैं हम वसंत ऋतु की बात आई है कि वसंत में क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं वसंते निचितः श्लेष्मा, यानी वसंत में जो बढ़ा हुआ कफ है ना, कफ भाई कब हो जाता है, कफ भाई जब सर्दी की ऋतु जब होती है, तब उस समय पर जब वसंत का आगमन हो जाता है, तो उस समय पर क्या होता है, दिन कृद भाभि रीत ऋतः कायाग्निम बाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहून। कहते हैं वसंते निचितः श्लेष्मा, वसंत में जो बढ़ा हुआ यानी बड़ा हुआ श्लेष्मा, ये जो कफ होता है, कफ जो बड़ा हुआ होता है, किससे, दिनकृत भाभी। अब कहते हैं दिनकृत भाभी, यानी दिनकृत भाभी का अर्थ क्या हुआ, दिनकृत की जो किरणें हैं, यानी सूर्य की किरणें हैं। दिनकर किसको कहा जाता है, हमारे भानु को। दिनकृत यानी सूर्य की किरणों के द्वारा, क्योंकि भाई वसंत ऋतु जैसे ही आती है तो सूर्य की किरणें धीरे धीरे कैसी हो जाती, कहते हैं सूर्य हमारे उत्तरायण हो गए, यानी उत्तर की ओर आने लगे, है ना। तो कह रहे हैं दिनकृत भी भाभी ईरितः, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वसंत में जो सूर्य की किरणों के द्वारा बढ़ा हुआ जो श्लेष्मा होती है, वो काया अग्निम यानी काया शरीर में जो अग्नि है उसको बाधते, उसको कैसा कर देती है, उसको बाधा पहुँचाती है, उसको असंतुलित कर देती है। तो रोगान ततः प्रकूर्ते बहुन, जिससे या फिर उससे जो कायाग्नि का क्या हो जाता है, काया में जो अग्नि है, हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, बाधते उसमें पीड़ित होती है, उस समय पे प्रकूर्ते यानी उससे उत्पन्न होते हैं बहुन रोगम, बहुत सारे रोग तब उत्पन्न होते हैं। तस्मात वसंते, उससे हमें वसंत में कर्माणि करने चाहिए, वमन आदि यानी उल्टी वाले कैसे योग के द्वारा, जो भाई योगिक काम होते हैं जिसमें वमन करके जो अंदर की कोई भी विषाक्त तत्व होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो कहते हैं तस्मात वसंते कर्माणि, तो तभी आपको उससे आपको क्या करना चाहिए, वसंत में वमन आदि कर्मों को कार्यित करना चाहिए। और साथ में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है गुर्व यानी गुरु, गुरु का अर्थ क्या हुआ, कैसे, भारी। अब कहते हैं अम्ल यानी गुरु शब्द जो हमारा था, गुर्व कैसे बना, गुरु लिखा हुआ था फिर सामने अम्ल लिखा हुआ था, तो रा को तोड़ा, क्योंकि रा में क्या छुपा हुआ है, रा में है ऊ,
इसको अगर विग्रह करके देखें तो रा में ऊ छुपा हुआ है, और ऊ का जब आ से मेल होता है तो क्या हो जाता है, ऊ का व बन जाता है, यण संधि का नियम, और व इसको पूरा कर देगा। तो ये रा तो आधा रह गया ना, तो गो और फिर व हो गया पूरा, और रा कहाँ जाएगा भाई, रा हमारा आधा है क्योंकि रा इधर ही है, तो रा आगे वाले शब्द पे इस प्रकार से चला जाता है। तो इस प्रकार से ये गुर्व बन गया, यानी गुरु अम्ल स्निग्धम मधुरम देवास्वप्नम च वर्जित। अब यहाँ पर आपको भारी भारी भोजन जो अभी तक करते चले आ रहे थे उनको, अम्लयुक्त तो जो खट्टे खट्टा पदार्थ जो खा रहे थे उसको, स्निग्ध यानी चिकने, मधुर मीठे, देवास्वप्नम और दिन में सोने को च वर्जित, और दिन में सोने को वर्जित कर देना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। तो ये हमारा वही बन जाते हैं अन्वय के वसंते दिनकृत भाभी ही, दिनकृत यानी दिन की, दिनकर की जो किरणें हैं आभा भी, दिनकृत भाभी तो यानी हमें आभाएं किरणें सूर्य की किरणों के द्वारा ईरित के प्रभाव से निचित बढ़ा हुआ जो श्लेष्मा है कायाग्नि को बाधते, कायाग्नि को बाधा पहुंचाता है, उसमें परेशानी उत्पन्न करता है, ततः बहुन जिससे कि बहुत प्रकार के रोगान प्रकुरते, प्रकुरते बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तस्मात वसंते जिससे वसंत में वमन आदि कर्माणि कार्य, जिससे वसंत में वमन आदि कर्म करने चाहिए, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम देवास्वप्नम च वसंती त्यजते, यानी वर्जित उनमें आपको त्याग देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, निचित यानी बढ़ा हुआ, श्लेष्मा यानी कफ, दिनकृत भावी यानी सूर्य की किरणों के द्वारा या से, अब ईरित यानी प्रेरित किससे, जो सूर्य की किरणों से प्रेरित, कायाग्नि काया की अग्नि को यानी शरीर की अग्नि को बाधित यानी बाधा पहुंचाता है, प्रकुरते यानी उत्पन्न करता है, कैसे, बहुन रोगान बहुत प्रकार के रोगों को प्रकुरते उत्पन्न करता है, वमनादिनी यानी वमन आदि कर्म, गुरु यानी भारी, अम्ल यानी खट्टे, देवा स्वप्न में दिन में सोना, स्निग्ध यानी चिकना, मधुर यानी मीठे, इनका सेवन बंद कर देना चाहिए। इस श्लोक में वसंत ऋतु के प्रभाव का सुंदर स्पष्ट वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु में जो सूर्य की किरणों से प्रेरित बढ़ा हुआ जो कफ है वो शरीर की अग्नि यानी भूख को बाधित कर देता है तथा अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है, इसलिए वसंत में वमन आदि क्रियाएं कराई जानी चाहिए, एवं भारी खट्टे तैलीय जो अभी तक खाते चले आ रहे थे मधुर खाद्य पेय पदार्थों को तथा दिन में सोना, दिन के समय शयन को छोड़ देना चाहिए। तो ये आपका सरल अर्थ बन जाएगा, भावार्थ हम लिखेंगे अत्र भावो अयम वर्तते, यहाँ पे भाव ये है कि वसंते ऋतु, वसंत ऋतु में कफ वृद्धि कारणात, कफ वृद्धि के कारण से शरीरम, शरीर में विविध रोग ग्रसितम जायते, शरीर विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है, अतः इसलिए कफ जनितानाम, कफ से जनित रोगाणाम, रोगों के कहते हैं अपशमनार्थम, किनको रोकने के लिए, कफ जनित रोगों को रोकने के लिए वमन आदि नी कार्याणि जनाह कुर्यु, वमन आदि कार्य, वमन का अर्थ क्या होता है उल्टी, तो कह रहे हैं ऐसे कार्य लोगों को करना चाहिए, अपिचा और भी गुरु नाम अम्लीय नाम यानी गुरु यानी भारी गरिष्ठ, अम्लीय स्निग्ध मधुराम च खाद्य पदार्थ नाम सेवनम ना कुर्यात, तब हमें ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसा कि ऊपर हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दिन कृद भाभिरीत, तो दिन कृद भाभी ही जो रीत है तो रा को अलग करेंगे यहाँ से, तो बड़ी ई की मात्रा अलग निकल आएगी, रा अलग निकल आएगा, और रा हमारा भी ही शब्द ध्यान कीजिए क्योंकि तृतीया के बहुवचन में आता है बालिका भी ही, तो यहाँ पर भी भाई हमारा दिन कृत भाभी ही लिखा हुआ है, उसमें से हमने भी ही का विसर्ग अलग किया, ईरित को अलग कर दिया, ठीक है। आगे लिखा है कायाग्निम, तो काया और अग्नि बढ़िया की मात्रा से यहाँ पे हमने इसको दीर्घ संधि के नियम से तोड़ दिया, काया और अग्निम शब्द में टूट गया, रोगान ततः, तो रोगान को अलग किया, ततः अलग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में लिखा है तस्माद वसंते, तो तस्मात और वसंते अलग हो जाएगा क्योंकि दा हमारे ता में परिवर्तित हो जाता है जशत संधि के नियम से। अब लिखा हुआ है गुर्व अम्ल स्निग्ध मधुरम, तो गुरु अलग कर दीजिए,
ठीक है, गुरु अलग कीजिए, अम्ल अलग हो जाएगा, अम्ल स्निग्ध मधुरम एक ही पद में लिखा है, संधि से केवल हमारी यण संधि हुई थी गुरु अम्ल में, उ और आ का मेल होके उ वा में परिवर्तित हो गया था, रा आधा रह गया था सो ऊपर आ गया था, आ ने इसको पूरा कर दिया सो ये गुरु शब्द हमारे सामने दिख रहा था, ठीक है ना। चलिए अब समास देख लेते हैं, पहले पद परिचय देख लेते हैं। रोगान शब्द रोग मूल शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है, बहुन में बहु शब्द में भाई ना हलंत द्वितीय के बहुवचन में आता है, ठीक है। पद परिचय में धातु देख लेते हैं, बाधते बाध धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, ते एते अंत्य होता ही है, आत्मने पुरुष की बात हो रही है। अब लिखा है प्र गुरुते, तो प्र उपसर्ग है, क्रि धातु है जिसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है प्र गुरुते। कार्येत में क्री धातु में वेदलिंग लकार का रूप बना है, णिच प्रत्यय लगने से फिर प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप कार्येत बन गया। क्री धातु में, क्री धातु में जब णिच प्रत्यय लग जाता है तब उसका रूप हमारा कार्येत यानी कराना चाहिए, करना चाहिए। क्री धातु से णिच प्रत्यय लगाने से कार में परिवर्तित यानी उसका अर्थ हो जाता है कि करवाना है, करना है और कराना है दोनों ही अंतर हो जाते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक बन जाता है यानी प्रेरणा, उसकी करने की प्रेरणा देना णिच प्रत्यय लग जाने से। आगे लिखा है दिनकृत भाव ही यानी दिनकृतः भाव ही, दिनकृत की यानी जो सूर्य है उनकी आभाएं, उनकी किरणें, ठीक है। कायाग्नि, काया की अग्नि, तो काया याह अग्नि हमने दो शब्दों में तोड़ दिया, काया शब्द में काकी की का अर्थ था तो इसीलिए षष्ठी विभक्ति लगा के हमने विग्रह कर दिया। अब लिखा है गुर्व, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुर्व अम्लीय स्निग्धम मधुरम, तो गुरु हुच्चाह अम्लम। अब इनमें सब में क्या हमारा द्वंद्व समास है, सभी में और लिखा है कि भारी अम्लीय स्निग्ध और मधुर इनका त्याग कर देना चाहिए तो हो जाएगा गुरु हुच्चाह अम्लम चा स्निग्धम चा मधुरम चा यत तत्। दिवा स्वप्नम यानी दिवस में स्वप्नम यानी दिवस में स्वप्न नहीं देखना चाहिए यानी दिवस में नहीं सोना चाहिए, तो कहेंगे दिवसे यानी दिवस में स्वप्नम दिवस में सोना, ठीक है। उन्हें कहा नहीं करना चाहिए। निचितः नि धन चिद में इक्त प्रत्यय लग जाने से, नि उपसर्ग है ची धातु में इक्त प्रत्यय लगाने से निचितः हो जाता है, ईरित में इर में इक्त प्रत्यय लगाने से ईरित बन जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में कह रहे हैं मयूखैर जगतः स्नेहम ग्रीष्म पे पीयते रवि, यानी रवि सूर्य, सूर्य किरणों के द्वारा जगतः संसार के स्नेहम यानी तरलता को, कि तरलता यानी लोगों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है शरीरों में यानी पानी जो होता है हमारे शरीर में, तो कह रहे हैं रवि यानी जो सूर्य है मयूखैः, मयूखैः यानी किरणों के द्वारा जगत यानी संसार, संसार संसार के स्नेह को ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में पीपीयते यानी विशेष रूप से बार बार पी लेता है, बार बार सूख लेता है, पी लेता है, ऐसा लगता है जैसे एक आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट आता था, विज्ञापन आता था जिसमें कि गर्मी में बच्चे खेलते हुए दिखते थे और वो धीरे धीरे थोड़े ऐसे थकने लगते थे और ऊपर दिखता था कि सूर्य एक स्ट्रो डाल के, एक पाइप डाल के एनर्जी को ले जा रहा है ना, पानी को ले जा रहा है, तो फिर ग्लूकोन डी पी लिया तो हम कैसे हो गए, एनर्जी आ गई हम में, शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। तो यही जैसे यही चीज़ें आप मन में सोचिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि रवि ही यानी सूर्य मयूखैः जगतः यानी संसार के स्नेह को ग्रीष्म ऋतु में मयूखैः किरणों के द्वारा पेपीयते बार बार पी लेता है, बार बार पी लेता है। स्वादुशीतम द्रवम स्निग्धम अन्नम पानम तदाहितम, तो फिर तदा तब, तब कैसे बोले स्वाद यानी रसयुक्त, शीत ठंडे द्रव, कैसे रसीले और ठंडे द्रव चिकने अन्न आन आदि ही तदा हितम, तब हितकर होते हैं हमारे लिए, लाभदायक होते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, कह रहे हैं क्योंकि रवि जो है यानी सूर्य जो है ग्रीष्म ऋतु में जो रवि है मयूखैः जगतः यानी संसार के लोगों के क्या करता है किरणों के द्वारा सूख लेता है, पेपीयते बार बार सूख लेता है, मयूखैः पेपीयते यानी बार बार सूखता जाता है, तदा तब
तब क्या करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में? स्वादुशीतम द्रव यानी स्वादिष्ट, स्वादित यानी जिसमें रस हो, रस से युक्त ठंडे द्रव, स्वादिष्ट या रस युक्त कहते हैं स्वादुशीतम द्रव यानी स्वाद यानी रस से युक्त ठंडे द्रव, ठंडे स्वादु रस युक्त ऐसे अन्न और पान, अन्न पान का क्या करना चाहिए? और चिकने, स्निग्धम भी आ गया, स्निग्धम तो लिखा हुआ है, इसको हम किस प्रकार से विग्रह करेंगे कि तब स्वादुशीतम स्निग्धम द्रवम, कैसे स्वादिष्ट स्वादु यानी हमारे रस युक्त ठंडे चिकने द्रव अन्न पान हितम, अन्न पान हितकारी होते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्मे घृतम पयः सशाल्यनम भजनम, भजन ग्रीष्मे ना सीदति, कहते हैं घृतम यानी घी को, पयः यानी दूध को, सशाल्यनम यानी सशाल्य किसको कहे जाते हैं, कहते हैं धान युक्त, शाल्य यानी धान, तो सशाल्यनम धान से युक्त अन्न का जो भजन यानी करने वाला, सेवन करने वाला जो व्यक्ति होता है ग्रीष्म ना सीदति, ग्रीष्म काल में नहीं दुख को प्राप्त करता है, ना अवसीदति नहीं अवसाद को प्राप्त होता है, ना सीदति नहीं दुख को प्राप्त होता है। और कह रहे हैं लवण अम्ल कटुष, कहते हैं कटुष्णानी व्यायाम च विवर्जित, और इसमें ज्यादा नमक खट्टे और कटु, कैसे कटु यानी कड़वे, उष्णानी और देखिए कटु अलग किया भाई, कटु छोटे ऊ की मात्रा अलग कीजिए तो कटु क्या हो गया हमारा कड़वा, और उसमें से भाई अब बड़े ऊ की मात्रा थोड़ी ना होती है कटु में, मूल क्या होता है कटु छोटे ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की कहाँ से आई, क्योंकि सामने उष्णानी शब्द लिखा हुआ था यानी गर्म, गर्म गर्म खाना, लवण युक्त अम्ल कटु गर्म ऐसे खाने का क्या कर देना चाहिए, व्यायाम चा और व्यायाम को भी विवर्जित, और व्यायाम का भी क्या कर देना चाहिए, उसको भी त्याग कर देना चाहिए, उसको भी वर्जित कर देना चाहिए। तो हमारा अन्वय बनेगा ग्रीष्मे रवि जगत है स्नेहम मयूक ही पिपीयते, पिपीयते तदा स्वादुशीतम स्निग्धम द्रवम अन्नपानम हितम ग्रीष्मे घृतः पयः सशाल्यनम चा भजन, यानी ऐसा ऐसे व्यक्ति यानी इनका गर्मी में घी का, दूध का, धान से युक्त अन्न का भजन यानी क्या कहेंगे उसको कि खाने वाला व्यक्ति, सेवन करने वाला व्यक्ति ना सीदती कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। लवण अम्ल कटु उष्णानी यानी नमक, ज़्यादा नमक वाले खट्टे कड़वे और गर्म ऐसे खाने का भी क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, व्यायाम चा और व्यायाम का भी ग्रीष्म में विवर्जित, ग्रीष्म ऋतु में क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। मयूख यानी किरणों से स्नेहम यानी तरलता को, हमारे अंदर के पानी को, पे पीयते यानी अधिक पीता है, बार बार पीता है, स्वादु यानी स्वादिष्ट या रसयुक्त हितम हित करने वाले दूध पयः और सशाल्यन यानी धान सहित। अब इसके बाद लिखा हुआ है, हम इसको अपना सरल अर्थ में कहेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में ठंडे और तरल पदार्थों का सेवन हितकारी होता है। तो लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से संसार की तरलता को अत्यधिक पीता है या बार बार सूख लेता है, इसलिए उस समय स्वादिष्ट स्वादु शीतम चिकने द्रव्य तथा खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लेकिन हम स्वादु में स्वादिष्ट के साथ साथ में तरलता को भी जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से कि तरल पदार्थों का, कहते हैं ना कि ठंडे तो हों, चिकने हों, स्वादु हों, लेकिन तरल भी होने चाहिए यानी कैसे पानी युक्त होने चाहिए। आगे लिखा है ग्रीष्म ऋतु में दूध घी और धान मिले हुए अन्न को भी ग्रहण करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता है, भजन ना सीदती। हाँ, इस समय नमकीन खट्टे कड़वे और गर्म पदार्थ तथा अत्यधिक व्यायाम को भी छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा हमें उस समय पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे भावार्थ संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे एतयो श्लोकयो, इन दोनों श्लोकों में भावो अयम विद्यते, भाव यह विद्यमान है कि, यत यानी कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य, कहते हैं सूर्यात अपकरणात, सूर्यात हम अलग करते हैं, सूर्यात तप कारणात, सूर्य के तप के कारण से सर्वेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों के स्नेह न्यून जायते, सभी प्राणियों का जो स्नेह यानी जिस जो अंदर
तरल पदार्थ होता है, यानी जो पानी होता है वो कैसे न्यून जायते, कम हो जाता है। अतः अस्मिन समय, इसलिए इस समय पर तरल पदार्थानां पर्याप्त मात्रायां सेवनम हितकरम भवति। तो अस्मिन समय, इस समय पर तरल पदार्थों का पर्याप्त मात्रायां सेवनम, पर्याप्त मात्रा में सेवन हितकर होता है। ठीक है, तो ये हमारा भाई भावार्थ बन जाता है और हिंदी में अर्थ हमने बता ही दिया। मयूखैर जगतः, रा कहाँ से आया, रत्त संधि से, तो मयूखैः हम अलग कर देंगे। ये जो रत्त संधि का रा था अपने विसर्ग में परिवर्तित होके मयूखैः और जगत हो जाएगा। कैसे समझ में आया, क्योंकि ऐ की मात्रा के बाद में अगर रा है, सा है, आधा ऐ की मात्रा लगी हुई है किसी शब्द पे और उसके बाद में आधा रा दिख जाए, आधा शा दिख जाए, आधा सा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, समझ जाइए कि ये हमारी विसर्ग से ही परिवर्तन होके आया है। सत्व है, रत्व है, इन संधियों की वजह से परिवर्तन हुआ है इसमें, क्योंकि ऐ की मात्रा के बाद विसर्ग तृतीया के बहुवचन में विभक्ति में लगाया जाता है। आगे लिखा है शशाल्यनम, यानी शशाली अन्नम, यानी धान से युक्त अन्न। अब लिखा हुआ है लवण अम्ल कटु कटुष्णानी, तो अम्ल को अलग किया, अम्ला जो लिखा है, लवणा जो लिखा हुआ है, तो लवणाम्ल क्या होता है, लवण और अम्ल से मिलकर बना है लवणाम्ल, यानी यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हुई है। इसके बाद कटु, कटु के बाद उष्णानी, दो शब्द दो ऊ मिले थे इसीलिए दीर्घ ऊ बन गया था, जैसे देखिए दो आ मिलने से लवणा बन गया, ऐसे ही कटु दो ऊ मिलने से अकह सवर्ण दीर्घ। सूत्र कहता है कि अक सवर्ण मिल जाने से, अक को सवर्ण मिल जाने से, अक में तीन हमारे ऐसे तो पांच स्वर आते हैं, मूल तीन याद रख लो, अ ई उ और री री, इनके बाद में समान स्वर आ जाए तो समान ही दीर्घ बन जाता है। री और री का कोई दीर्घ नहीं होता, री का री होता है, लेकिन अब प्रयोग होता नहीं है, वैदिक संस्कृत में होता था इसका प्रयोग, तो सब कैसे लौकिक में नहीं होता है, तो ये सभी हमारे सवर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे आ और ऊ ये जो दो मिले हैं, दो उसे दो ऊ मिलने से भाई बड़ा ऊ बन गया था, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी थी कटुष्णानी, और लवण अ और आ का मेल हुआ था तो बड़ा आ बन गया था, सो ये लवणाम्लह बन गया था। बड़ा आ पूरा जुड़ेगा नहीं, अपनी मात्रा को जोड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं पद परिचय में, शब्द रूप देख लेते हैं। मयूख मूल शब्द में जब तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप बना तो मयूख ही बन गया। पयह यानी पयस जो शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन में पयह बनता है, पयस दूध, ठीक है। तो अब हम पद परिचय में यहाँ देखेंगे धातु रूप आधारित, धातु रूप आधारित हम पद परिचय देख लेते हैं। पे पीयते जो शब्द हमें मिला है, यानी बार बार पी लेता है, सोख लेता है, इसमें हमें पा धातु यंग के साथ में जुड़ करके जब लट लकार प्रथम पुरुष में बनता है तब पे पीयते हमारा उसका आत्मनेपद के अनुसार रूप बन जाता है। सीदति जो है उसकी मूल धातु सद होती है, उसमें जब हम भाई जब लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बनाते हैं तब लट लकार में सद धातु सीदति बनती है। कहीं कहीं पे सीद भी लिखा हुआ होता है लेकिन मूल सद ही होती है। विवर्जित है, इसमें हमारी वर्ज धातु में वी उपसर्ग लग जाने के बाद में अब एत एताम एयू है तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बन जाता है। अब लिखा हुआ है शशाल्यनम, अब समास करना है हमें। शशाल्यनम का स शब्द किसी मूल शब्द के पहले स लगा हुआ हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें सहित का अर्थ बता रहा है, और सहित एक क्या होता है, अव्यय होता है, अर्थात ये इसमें हमारे कौन से नियम चलेंगे, यानी इसका अर्थ क्या होता है, शाल्यनम, शाल्य यानी जो हमारी क्या होती है, धान होती है, धान वाले अन्न के सहित, है ना। अब यहाँ पे हमें शाल्यनम शब्द में सहित शब्द जुड़ा हुआ है कि शाल्य यानी अन्न जो धान होती है, धान युक्त अन्न, धान युक्त जो अन्न है उनके साथ में, है ना, हमें भोजन आदि करना चाहिए, मतलब इनका भी प्रयोग हमें अपने भोजन में करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब सहित का अर्थ निकल रहा है तो समझ जाइए कि साथ वाला अर्थ है, तो अव्यय भाव समास का इसमें उदाहरण आ रहा है। अव्यय भाव समास में जब विग्रह करते तो क्या होता है, जो उपसर्ग होता है, ये जो उपसर्ग होता है, जो स जो उपसर्ग अर्थ क्या बता रहा है, सहित का, तो उसका जो मूल अर्थ है सहित उसको लिख देंगे हम पीछे, और हमारा जो मूल शब्द है सा को सहित में परिवर्तित करके हम लिख देंगे सहितम, ठीक है। और शाल्यनम जो है वो सहार्थी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति के अनुसार रूप बन जाएगा। शाल्यनम
एक प्रथमा विभक्ति का रूप तो उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगा, सालेनेन हम उसमें तृतीया विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे अव्ययी भाव समास के क्या बनते हैं, विग्रह हो जाते हैं। अब क्या लिखा है, लवण अम्ल कटुष्णानि। अब यहाँ पे देखिए पता है कि लवण अम्ल कटुष्णानि, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब लवण की यानी नमकीन खारा, अम्ल यानी खट्टे, कटु यानी कड़वे, उष्ण यानी गर्म, अब ये सब क्या है, केवल उन भोज्य पदार्थों की विशेषताएं हैं, तो सब को इकट्ठा करके लिखा, इसलिए अंत में उष्णानी मतलब उष्ण शब्द था उसके हिसाब से अंतिम बहुवचन की विभक्ति लगा दी गई। तो अब केवल इनके नाम बताने हैं तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, तो सबको अपनी अपनी प्रथमा विभक्ति दे देंगे एक वचन वाली। जब लवण अकेला हो जाएगा तो वो एक रह जाएगा, तो प्रथमा एक वचन में उसका जो रूप है वो बन जाएगा, लवणम च अम्लम च कटुः च उष्णम। ठीक है, सबको अपनी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दे दिया गया, जबकि वो चार इकट्ठे थे तो सबको मिला के बहुवचन की विभक्ति अंत में लगा दी गई थी, तो वो समास हो गया था। मतलब ये देखिए कितनी चीज़ें गायब हुई समास में। समास क्यों करते हैं भाई कवि, सबसे ज़्यादा समासिक पदों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो कम शब्दों में अधिक अर्थ बता देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए शालीन सहितम, अब शालीन सहितम शालीन सहितम, तो इसमें देखिए ईन गायब हुआ, हितम गायब हुआ, केवल स उठ के यहाँ पर आ गया, तो स शालीनम हमारा बन गया, यहाँ से मा लगा के उसको नपुंसकलिंग बना दिया जाता है अव्ययी भाव समास में। तो समास क्या होता है, संक्षिप्त कर देता है, छोटे कर देता है शब्दों को। अब भजन शब्द भज में शत्रु प्रत्यय लग जाने से भजन बन जाता है। अब देखते हैं हम अपनी वर्षा ऋतु के बारे में, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, कैसा मौसम होता है, कैसा उसमें आचरण करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। कह रहे हैं भू वाष्पान, अब इसको अपन कर लेते हैं पान, भू वाष्पान यानी भू वाष्पान। अब यहाँ पे जो ना है, समझ जाइए कि ये जो ना और माँ, हमने एक आपको बार बार हम उदाहरण बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि जैसे कि शब्दों का विच्छेद करना आपको आ जाएगा तो आपके लिए अर्थ करना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने आपको बताया है कि कभी भी दो पांचवें अक्षर साथ में मिले, इनका अर्थ क्या है, मतलब 55 नंबर याद रखना। 55 नंबर क्या कहेगा, अनुनासिक संधि का। अनुनासिक संधि क्या कहेगा, ये कहेगा कि अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, बोले व्यंजन के पांच वर्ग देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका पांचवा अक्षर कौन सा होता है, ण और म, ये पांचवा अक्षर होता है। अब कह दिया इन पांचवें अक्षर के बाद में अगर पांचवा ही अक्षर आ जाए, समान नहीं हो असमान भी हो तब भी चलेगा, बस पांचवा अक्षर होना चाहिए, यानी पांचवें अक्षर के बाद में पांचवा अक्षर आपको दिख जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि इंगा के बाद इंगा मिले, इंगा के बाद यहाँ भी मिल जाए तो कम चलेगा, यहाँ के बाद में ना आ जाए, ना आ जाए, माँ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, क्रम कोई भी हो, लेकिन पांचवें के बाद अगर पांचवा अक्षर दिख रहा है तो ये जो पहला अक्षर हो वो भी कैसा हो, ये वाला जो पांचवा अक्षर है वो आधा हो, व्यंजन हो, स्वर युक्त नहीं हो, नहीं तो इसमें फिर व्यंजन संधि का नियम ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई आपको जब विग्रह करते समय, भाई संधि का तो बड़ा सरल सा नियम है कि कचट तप के बाद में संधि का नियम क्या है, अनुनासिक संधि का नियम कहता है कि कचट तप यानी पहले वर्ण के बाद में अगर कोई अनुनासिक दिख जाए, यानी पांचवा अक्षर दिख जाए, इंगा दिख जाए, यहाँ दिख जाए, णा दिख जाए, ना दिख जाए, माँ दिख जाए, इनमें से कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि का के बाद इंगा ही हो, का के बाद यहाँ हो, णा हो, ना हो, माँ हो, तो ये जो पहला अक्षर हो ये जरूर अपने में ही बदलता है। ये ऐसा नहीं है कि का ने का के बाद अगर ना है तो का ना में नहीं बदलेगा, का परिवर्तन ना में नहीं होगा, नहीं, का अपने पांचवें में बदलेगा, समझ रहे हैं, ये इनका परिवर्तन अपने रूप में होता है, यहाँ बस उन्हें पांचवा दिख जाए कोई सा भी, चा के बाद इन पांचों में से कोई सा भी होगा तो चा अपने ही पांचवें में बदल जाएगा, टा के बाद इन पांचों में से कोई भी होगा तो टा अपने ही किसमें पांचवी में बदल जाएगा, ताकि बाद अगर कोई भी इनमें से अनुनासिक वर्ण है, पांचवा अक्षर है, तो ये अपने ही नाम में बदल जाएगा, पा के बाद इनमें से कोई भी आ जाए तो ये इस ये लेकिन बदलेगा, भले ही परिवर्तन इसके हिसाब से हो गया, इस पांचवी को देख करके इसने परिवर्तन किया,
लेकिन अगर का के बाद अगर माँ से कोई शब्द उत्पन्न हो रहा था तो का क्या माँ में बदलेगा? बोले नहीं, मैं अगर अनुनासिक में बदलना ही है तो मैं अपने अनुनासिक में बदलूंगा ना, मेरे पास खुद का अनुनासिक है, ठीक है, मेरे वर्ग में, तो ये अपने वर्ग में बदल जाते हैं, समझ गए? तो ये तो है संधि का नियम। तो विग्रह का नियम हम पहचान कैसे करें? भाई पहचान में परिवर्तन तो हमें यही दिखेगा ना कि यहाँ पे आधा आधा पांचवा अक्षर यहाँ मिलेगा और पूरा पांचवा अक्षर यहाँ मिलेगा, है ना? यही तो भाई नियम कह रहा है कि आधा पांचवा अक्षर अगर आपको दिख जाए और यहाँ पे भी आपको सामने भी अनुनासिक यानी दो पचपन यानी पांच और पांच अगर दो नंबर दिख रहे हैं, दोनों अनुनासिक दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि ये जो आधा वाला अक्षर है ये अपने ही प्रथम वर्ण से आया है। ये जैसे इंगक दिख रहा हो तो उसको अपने का में बदल देना, या को अपने चा में बदल देना, अणा को अपने टा में बदल देना, ना को अपने ता में बदल देना, माँ को अपने पहले अक्षर पा में बदल देना। तो यहाँ पे हमारे पास न और मी लिखा हुआ था, ठीक है, तो इस ना को अपने ही पहले अक्षर में बदलेंगे तो ता हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना? तो हमारा ये बताइए क्या निकल के आएगा? अब इससे हमें पता क्या चला? हमें ये पता चला कि अर्थ क्या लगाना है कि भू यानी पृथ्वी की वाष्पान, तो वाष्पान अर्थ ना निकल के इसका अर्थ हो जाएगा वाष्पात यानी वाष्प से, और मेघ निस्यंदात, और मेघ के निस्यंदात का होता है टपकना, रिसना या गिरना, बरसना। अब मेघ क्या टपकते हैं? मेघ तो बरसते हैं, ठीक है, तो मेघ के निस्यंदात मेघ के बरसने से, भूमि की वाष्प से यानी जब मेघ बरसते हैं तो पृथ्वी में से वाष्प निकलती है, भाप निकलती है। तो अब यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि भू की वाष्प से, मेघ के गिरने से, मेघ के बरसने से, मेघ निस्यंदात यानी निस्यंदात का अर्थ निस्यंद यानी गिरना, टपकना, रिसना, है ना? तो यहाँ का बरसना, मेघ कैसे टपकते हैं, मेघ कैसे रिसते हैं, मेघ बरसते हैं, तो मेघों के बरसने से। अब सभी में जो ता लिखा है वो क्या कर रहा है? उसमें पांचवें अक्षर का बोध करवा के से का अर्थ लगवा रहा है कि पृथ्वी की वाष्प से, मेघ के गिरने से, मेघ के बरसने से, पाकात। अब फिर से देखिए दा दिख गया, यहाँ पे दा दिख गया, तो ये जशत संधि में कौन सा नियम चलता है हमारा? का गा हो जाता है, चा का जा बन जाता है, पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है, टा का डा हो जाता है, टा का दा हो जाता है, और पा का बा हो जाता है। अब ये होते कैसे हैं? आधे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिख रहे हैं? पाकाद अम्लाद जलस्य। तो अब यहाँ पे फिर से संधि का नियम हम करें तो ये हो जाएगा पा का, अब दा को तोड़िए तो द अ अलग निकाल देगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें मिल जाएगा अम्ला। अब अम्ला जो लिखा है इसको हम कह देंगे अम्लाज, क्योंकि जलस्य शब्द हमें अलग सही दिख रहा है, तो अम्लाज को अलग कर दिया और हम ये जलस्य को अलग कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। तो ये दा कहाँ से आता है? मूली जशत्व संधि के परिवर्तन में ता से, तो इसमें भी ता लगा दीजिए तो ये पाकात हो गया, यानी भू वाष्पात पृथ्वी की वाष्प से, मेघ के निस्यंदात मेघ के बरसने से, पाकात यानी जो उमस होती है, उमस से उमस आदि जो क्रियाएं होती हैं उनसे, क्योंकि जय भाई उमस कैसी होती है कि बारिश होती है, बारिश की जो भाप निकलती है, भाप से जो चिपचिप होता है पूरे शरीर में और हर जगह, तो वो हो जाती है पाकात, तो कहते हैं पाक आदि क्रिया। अब कहते हैं अम्लाज, अब अम्लाज कहाँ से आया? तो कहेंगे जा तो चा के बदले आता है, तो हमने ये चा कर दिया, तो ये परिवर्तन क्यों हुआ था? ये श्रुत संधि से हुआ था। श्वत संधि में पहले अम्लात शब्द था, मूल शब्द तो क्या था? अम्लात, लेकिन ये ता किसके श्वत संधि कहती है? स्तोष्चुना स्टु हो, क्या कहती है? स्तोष्चुना स्टु हो, तो क्या कहती है कि स्तो के बाद यानी स या ता वर्ग के बाद में श या चा वर्ग लिखा हुआ हो तो क्या होता है? तो ये जो तो है वो शुह में बदल जाता है, यानी सा और तावर्ग, शा और चावर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ था कि तावर्ग के बाद में, ता के बाद में कौन सा चावर्ग का अक्षर आ गया था, तो त
किस में बदला, मूल्य इश्चुह में बदला। तो ता पहला अक्षर होता है, तो यहाँ पे ये चा वर्ग का अक्षर पहला कौन सा होता है, चा। तो ये अम्लात, हमारा अम्लाच हो गया। अब इसमें फिर कौन सा लगा, जशत्व संधि का नियम, सुच्चा का जा हो गया, तो ये हो गया अम्लात जलस्य। ठीक है, तो मूल शब्द क्या निकल के आया हमारे पास, अम्लात। ठीक है, तो ये भाई संधियां जो होती हैं, संधि के अगर हमें विग्रह आते हैं, और इसीलिए हमने जब आपका 10वीं कक्षा पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहले संधियां ही करवाई, जैसे कि आप लोगों पहले आपको मूल चीज़ आ जाए, तो शब्द जो संधि युक्त शब्द होते हैं उनको तोड़ना सीख जाएंगे तो अर्थ निकलना आ जाएगा, आपको अर्थ आ जाएगा तो संस्कृत समझ आने लगेगी, लिखना पढ़ना बोलना सब सीख जाओगे। तो वर्षा में कह रहे हैं भू वाष्पात, पृथ्वी की वाष्प से, मेघ निस्यंदात, मेघों के बरसने से, पाकात यानी उमस आदि क्रियाओं से, अम्लत अम्ल जलस्य और जल की अम्लता, क्या कह रहे हैं, और जल की जो अम्लता होती है, जल के में अम्लता और उमस बढ़ जाने से, वातावरण में तो उमस बढ़ रही है और अम्ल जल में क्या हो जाता है, अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश होती है ना, तो आपने देखा है कि वर्षा में क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं का बहाव, बारिश का जल कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, तो विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं हमारे वायुमंडल में या पृथ्वी मंडल में, वो सब बहकर हमारे भूमिगत भी हो जाते हैं, और नदियों का जो स्रोत है, जो जहाँ पर नदियों से पानी आता है, तो वहाँ पर भी अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं अम्लात, अम्ल से, यहाँ से हम अम्लात अलग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, पाकात अम्लात जलस्य च, और जल की अम्लता से क्या लिखा है, वर्षा स्व अग्निबले, तो वर्षा सु को अलग कर दें हम और अग्निबले हमारा अलग निकल जाएगा, कि वर्षा में, वर्षा सु यानी वर्षाओं में क्या होता है, अग्निबले, अग्निबल में क्या होता है, छीणे, छीण हो जाने पर, अग्निबल के छीण हो जाने पर, कुप्यन्ति पवन आदयः, पवन आदि, पवन आदि वायु आदि रोग, क्या वायु आदि, वायु तत्व जो हमारे अंदर होता है वो कुप्यन्ति, कुपित हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, क्योंकि वर्षा में, वर्षा ऋतु में कह रहे हैं, क्योंकि वर्षा सु, क्योंकि वर्षा में भू वाष्पात, भू की वाष्प से, मेघ निस्यंदात, मेघों के बरसने से, पाकाद अम्ला जलस्य च, उमस और जल की अम्लता की अम्लता से, जल की अम्लता से स्व क्या कह रहे हैं, अग्नि बले, वर्षा सु अलग कर दिया तो यह अग्नि बले कैसा हो जाता है, अग्निबल छीणे, छीण हो जाने पर, पवन आदि जो रोग हैं, पवन आदि जो विकृतियां हैं हमारे अंदर, वायु जो तत्व है वो कुपित हो जाती है यानी खराब हो जाती है, तो वायु जनित रोग होने लगते हैं। अब कह रहे हैं इसमें लिखा है व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम वात वर्षा कुले अहनी, यानी वात यानी हवा, और किसकी बात हो रही है, वर्षा काल की ही बात कर रही है, वर्षा आकुले, वर्षा आकुले, वर्षा आकुले शब्द से, यानी हवा और बहुत पर्याप्त मात्रा में यानी अधिक मात्रा में वर्षा होने पर, दिन में अहनी, अहनी यानी दिन में, अब दिन की बात हो रही है तो अहनी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें अर्थ पता हो जाए कि इसमें दिन का अर्थ निकल रहा है अहनी। अब आगे क्या कह रहे हैं, व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम, तो जो बताए गए हैं वो कह रहे अम्ल लवण और स्नेहम, यानी अम्ल खट्टे, लवण यानी कैसे हमारे, लवण यानी नमकीन, और स्नेहम यानी हमारे कैसे स्निग्ध जो पदार्थ होते हैं उनको भोक्तव्यम खाना चाहिए, क्योंकि विशेष शीते, क्योंकि वात और वर्षा जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो दिन में वर्षा, वर्षाओं की, वर्षा के दिन में क्या हो जाता है, विशेष स्थिति, विशेष ठंड में अग्नि, अब फिर से यहाँ हो जाएगा अनिल शांते, वर्षाशु अलग किया तो वनिल है ना, जो यहाँ पे वर्षा स्वनिल लिखा हुआ है, तो ये किससे मिलकर बना है, वर्षाशु अनिल शांते, अनिल शांते, अनिल पवन वायु, ये क्या होते हैं, पर्यायवाची हैं, वायु कह दीजिए, हवा कह दीजिए, हवा हिंदी में कह देते हैं, वायु हो गया, अनिल हो गया, अनिल और अनल में अंतर होता है, अनिल होती है हवा और अनल होता ही होती है अग्नि। ठीक है, और पवन हो गया, ये क्या है, वह मारुत हो गया, ये क्या है, एक पर्याय है हवा के, है ना,
मारुत कह लीजिए, अनिल कह लीजिए, पवन कह लीजिए, वायु कह लीजिए, तो अनिल की शांति के लिए वर्षा ऋतु में, क्योंकि क्योंकि क्या होता है वात वर्षा को ले, क्योंकि वातावरण हवा और वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो वर्षा के दिन में आपको विशेष जो ठंडी, विशेष ठंडी हो जाती, क्योंकि वर्षा के दिन विशेष ठंडे हो जाने से व्यक्त अम्ल लवण स्नेह आदि हमें भोक्तव्यम खाने चाहिए, ऐसे पदार्थ हमें खाने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने क्या देख लेते हैं, यहाँ पे अन्वय हम आपको बता ही देते हैं कि वर्षा वर्षा में मेघ निस्यंदात, मेघों के बरसने से भू वाष्पात, पृथ्वी में वाष्प निकलने से पाकात, जल से अम्लात, पाकात यानी उमस होने से जल की अम्लता से अग्नि बल क्षीण हो जाती है, जिसके पवन आदि कुप्यंती, पवन आदि अकुप्यंती। वर्षा सुवर्षा में वात वर्षा कुले विशेष शीते, वर्षा में जो हवा है, वर्षा आकुले वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, वर्षा की अधिकता से और विशेष शीते और विशेष प्रकार की ठंड हो जाने से अहनि दिन में अनिल शांतये, तो उन दिनों में अहनि अनिल शांतये, अनिल की पवन की हवा की वायु की शांति के लिए हमारे जो शरीर में पवन आदि कुपित हो जाती है उनकी शांति के लिए व्यक्तम्ल लवण स्नेहम भोक्तव्यम, हमें व्यक्त बताए हुए अम्ल लवण और स्नेहम इस प्रकार के भोजन खाने चाहिए, करने चाहिए। तो ये आपकी भाई हमने जो आपको पहले ही बता दिया है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ तो हम साथ साथ में ही बताते जाते हैं लेकिन फिर भी इसलिए लिख के दिखा देते हैं कि जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो लिख लें अपने पास में। संदर्भ देखते हैं, यहाँ प्रस्तुत श्लोक में वर्षा ऋतु में वातावरण में होने वाले बदलावों, उनके शरीर पर प्रभाव और वर्षा ऋतु में उपयुक्त खाद्य पदार्थों का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में बादलों से जल बरसने से, भूमि के वाष्पित होने से, वायुमंडल में पाकादि क्रियाओं यानी उमस आदि से, अम्ल जल की अम्लता बढ़ने से, जठराग्नि यानी जो हमारी अंदर की अग्नि होती है उसके क्षीण हो जाने से शरीर में वात संबंधी, वात यानी वायु संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं वर्षा, और फिर दूसरा श्लोक कहता है कि वर्षा ऋतु में तेज हवा, वर्षा से परिपूर्ण विशेष ठंड वाले दिन में शारीरिक वात की अनिल शांतये, पर्याप्त मात्रा में अम्ल लवण और स्निग्ध, अर्थात स्निग्ध का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना। तो कह रहे हैं स्निग्ध स्नेहम जो शब्द है वो स्निग्ध के लिए आया है, चिकने पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से सरलार्थ हो जाएगा। फिर भावार्थ कहेंगे अत्र भावो अयम अस्ति, यहाँ पे यह भाव है कि वर्षा ऋतौ जठराग्नि क्षीणो भवति, वर्षा ऋतु में जठराग्नि क्षीण हो जाती है, तस्माच्च शरीरे वायु प्रकुपित हो जाते, जिससे कि शरीर में वायु प्रकुपित हो जाती है, तस्य वायु शांति, उस वायु की शांति के लिए वर्षा ऋतु विशेष शीते दिवसे, वर्षा ऋतु के विशेष ठंड वाले दिनों में अम्लीय नाम अम्लीय यानी अम्लियों का, अम्लीय तत्वों का, लवणीय नाम नमकीन का, स्निग्धा नाम और चिकने पदार्थों का, चा पदार्था नाम उपभोग श्रेयस्कर भवति, इन पदार्थों का उपयोग श्रेयस्कर होता है, श्रेयकर होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, या इनका ही हमें उपयोग या भोजन करना चाहिए, भोजन में इन्हें शामिल करना चाहिए। तो भाई अपने भावार्थ किसी भी तरह से हम बता सकते हैं, अर्थ सही होना चाहिए। अब लिखा हुआ है भू वाष्पान मेघ निस्यंदात, तो हमने आपको इसका विग्रह आपको पहले ही करके बता दिया है कि जो न आया है वो ता के परिवर्तन से आया है, क्योंकि यहाँ पे पांचवा अक्षर था। ठीक है, पहले के बाद में यहाँ पहला अक्षर हो और यहाँ पांचवा अक्षर हो तो ये भी अपने ही पांचवें अक्षर में बदल जाता है, यानी 1555 में बदल जाता है, ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ है, त के बाद यहाँ पांचवा अक्षर तो है नहीं है तो ये तीसरे में बदल जाता है, तो तीसरे में बदला, फिर आ से मिल गया तो पूरा दा बन गया, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, पाका दमलात हो गया, यहाँ भाई ता का पहले चा हुआ, चा से फिर जा में बदला, तो ईश्वत्व और अपनी जशत्व दो संधियाँ लगी तो ले दे के बाद में जा बन गया था, तो तोड़ा तो बस क्या करना है, तोड़ के वो जो तीसरे अक्षर है उन्हें पहले में बदल दिया, तो पाकात अम्लात और जलसिचा अलग हो गया। अब लिखा है वर्षा स्वन स्वनिल बले, अब यहाँ पे ये वले ना करके अब इसको बले कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है वर्षासु यानी वर्षा में
इसको बा कर लेते हैं, वर्षासु। तो स्व जो आया है वो किससे आया है, वर्षासु से आया है, तो कहेंगे बात तो था ही नहीं, तो ऊ का वा बन गया ना, ये ऊ लिखा हुआ है इसमें। ऊ कहाँ से आता, ऊ का वा कब बनता है भाई, ई ऊ रील री एको यणची सूत्र कहता है कि ई ऊ रील री के बाद में कोई असमान स्वर दिख जाए तो ई ऊ ई या में ऊ वा में री रा में री ला में बदल जाती है, तो ऊ वा में बदल गया, आधे वा में, तो सा आधा रह गया कि नहीं रह गया, और ये वा में बदल गया कैसे, आधे वा में, तो आने आके इसको पूरा कर दिया, तो ये पूरा हमारे सामने दिखने लगा, तो ये क्या हो गया, ये सा बेचारा आधा रह गया, वा हो गया पूरा, तो हो गया वर्षा स्वग्नि बले। ठीक है, तो ये आपका नियम लगा। अब देख लेते हैं, अरे भाई अब देख लेते हैं व्यक्ताम्ल, तो व्यक्त और अम्ल, भाई व्यक्त अलग कर दिया, अम्ल अलग कर दिया, आगे क्योंकि बड़िया की मात्रा है तो दो आ में तोड़ दिया, तो एक आ इसको दे दिया, एक आ इसको दे दिया। आगे लिखा है वात वर्षा अकुले अहनी। अब यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कभी भी आपको अवग्रह का चिन्ह दिखे और उसके पहले एक ही मात्रा दिखे तो आप आगे वाले में कोई परिवर्तन मत करना, उसको वात वर्षा कुले को तो हमने अलग कर दिया क्योंकि यहाँ पे तो वही वर्षा कुले जो लिखा था, तो कुले अकेला क्या होता है, आकुल होता है, यानी व्याप्त होने पर, पर्याप्त मात्रा में होने पर, तो आकुले शब्द तो अलग हुआ, लेकिन जहाँ एक ही मात्रा के बाद में अवग्रह का चिन्ह लगा हो तो सीधा बस अवग्रह को अ में परिवर्तित कर देना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व रूप संधि का नियम हो जाता है। वर्षासु अनिल शांतय, वही बात हुआ, वर्षासु अनिल शांतय, हमारे इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। अब चलते हैं पद परिचय में, हम इसमें देखेंगे अपनी धातुओं को, तो पाकात शब्द भाई शब्दों को देखेंगे कि जो पाकात शब्द है, पाक शब्द में जब पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा सो पाकात बन गया। अग्निबले में सप्तमी का एक वचन, अग्निबल मूल शब्द है, अकारांत शब्द है, एक ही मात्रा सप्तमी के एक वचन में आती। अहनी शब्द में अहन शब्द है मूल, जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में अहनी बन गया। अब कुप्यंती कुप धातु में जब लटलकार के रूप बनाए तो तीतः अंति प्रथम पुरुष बहुवचन में आते ही है। भूवाष्पात यानी पृथ्वी की वाष्प, अब काकी के अर्थ निकलना था इसलिए भू को हमने षष्ठी में बदल के कह दिया भूवः वाष्पात यानी पृथ्वी की वाष्प से। मेघ निस्यंदात, तो इसका हो जाएगा कि मेघ के बरसने से, मेघ के रिसने से, मेघ के टपकने से, तो हो गया मेघ के, काकी के अर्थ जोड़ना था तो मेघ और निस्यंदात को अलग किया और मेघ में काकी के अर्थ जोड़ने के लिए षष्ठी लगा दी, तो ये समास विग्रह हो गया। समास का विग्रह क्या होता है कि जो संक्षिप्त हमने किया था, संक्षिप्त करके हमने विभक्तियां जो बीच बीच में थी उनका लोप कर दिया था, विग्रह करते समय सब शब्दों को अलग करके और हर एक में अपनी अपनी विभक्ति लगा दी जाए जिसमें जो अर्थ निकल रहा है उसके हिसाब से। यहाँ काकी के का अर्थ निकल रहा है तो भू शब्द में भी भूवः बना दिया, मेघो को भी मेघस्य कर दिया, दोनों में ही षष्ठी की बात हो रही है। अब जब ये कह रहे हैं कि व्यक्त अम्ल लवण स्नेह चा, यानी अब इसमें चारों अक्षर और का जोड़ा है कि व्यक्त अम्ल लवण और स्नेह, तो हमें क्या करना है, बोले इन सभी को हमें क्या कर देना है, अपनी अपनी प्रथमा विभक्ति देख देना है और विग्रह कर देना है। तो व्यक्तम अम्लम लवणम स्नेहम च यस्मिन, जिसमें हो उसको, उन पदार्थों को खाना चाहिए। तो ये तो बाद की बात है लेकिन मूल इसका विग्रह यहाँ तक हो जाएगा। अब लिखा है वात वर्षा कुल, यानी वात और वर्षा से आकुल, अब इसमें से का अर्थ निकल रहा है ना, तो दोनों में ही तृतीय विभक्ति दे दी कि वातेन यानी वात से, वर्षा से, तो वर्षया। अब वात अकारांत था तो तृतीय विभक्ति में एन लग गया, वर्षा हमारी आकारांत थी तो इसलिए उसमें क्या बोले बड़े आ की मात्रा का गायब करके जैसे लता तृतीय विभक्ति में लतया बन जाता है, तो वर्षा वर्षया बन गई। ठीक है, अब विशेष शीते यानी इसमें क्या होगा, विशेष शीते, तो अब कैसी ठंड में, कहेंगे विशेष ठंड में, तो विशेष जब भाई विशेष शब्द कोई उसमें काकी के का या कोई विभक्ति का चिन्ह आ नहीं रहा है, विशेष शब्द क्या बन रहा है, शीत की विशेषता बता रहा है कि कैसी ठंड में, कह रहे विशेष ठंड में, विशेष को भी जो शीत में विभक्ति हो वही विशेष में लगा दो तो हो जाएगा विशेषे शीते। अब आगे लिखा है अनिल शांति, अनिल की शांति के लिए, तो वही बात होगी कि अनिल की काकी के का अर्थ जुड़ना है तो अनिल में से लगा दिया और शांति को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से जो सामासिक पद इस हमारे श्लोकों में आए थे दोनों में, उनके हमने आपको विग्रह बता दिए और विग्रह आ जाए तो समास कर दीजिएगा। भोक्तव्यम में भुज धातु में तव्यत प्रत्यय लगने से भोक्तव्यम बन जाता है। ठीक है,
अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोक पर, जिसमें कि अब हम शरद ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अब लिखा हुआ है वर्षा शीतो चित अंगानाम, ठीक है। अब पूरा मिला के तो क्या बना है, वर्षा शीतो चितांगानाम, ठीक है। अब जैसे हमने उसको थोड़ा अलग कर दिया, अलग कैसे, विग्रह कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया, तो बन गया वर्षा शीतो चित अंगानाम सहसै वार्क रश्मि भी तप्तानाम आचितम पित्तम प्राय शरदी कुप्यति। अब कह रहे हैं शरद ऋतु कब आती है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, यानी वर्षा के बीत जाने पर शरद ऋतु आती है। अब जैसे ही शरद ऋतु आती है, शारदीय नवरात्रि आती है ना, आपने देखा हो जब झांकियां लगती हैं, पहले गणेश जी बैठते हैं, जब बारिश खत्म होती है तो फिर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है, फिर हमारे कौन भाई पितृपक्ष आ जाता है, फिर नवरात्रि आ जाती है। तो इस समय पर मौसम आपने क्या देखा, कैसा देखा है, ठंड तो होती नहीं है, और वर्षा में जो ठंडक होती है उसके बाद में अचानक से निकलने लगती है धूप। तो कहा जाता है ना कि भाई ये वाली धूप बहुत नुकसान कर जाती है, अगस्त सितंबर में धूप में नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए, तो अब आज उसका कारण समझ लीजिए। जो सब लोग कहते हैं कि ना बादल के बरसने के बाद में जो धूप निकलती है, वो जो धूप होती है वो बहुत नुकसानदायक होती है, क्यों, अब यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। कहते हैं वर्षा शीतोचित, यानी वर्षा में जो शीतोचित यानी ठंड से जो ठंडे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अंगानाम, अंगों को, अंगानाम यानी अंगों का क्या हो जाता है, तप्तानाम, अंगों का तप्त हो जाने पर, तप्त। अब कब कहते हैं वैसे वर्षा ऋतु के शीतोचित यानी ठंडक हुए, वर्षा ऋतु में शीतोचित यानी शीत से, शीत के से उचित यानी शीत से ठंडक भरे हो जाता है, हमारा शरीर ठंडक की का आदि हो जाता है, होता है कि नहीं होता है कि हमारा शरीर जो है वो ठंड का आदि हो जाता है, कि हम दो तीन महीने जो लगातार जब हम बारिश देखते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक की मात्रा हो जाती है, ठीक है ना। शीत जो हमारा प्रकृति है वो शीत शीतलता की ओर पहुंच जाती है। लेकिन अब तप्त अंगानाम, अब किसके द्वारा तप्त हो गए, तो कहते हैं सहसैव, सहसैव मिलकर बना है हमारा सहसा और एव शब्द से। अब एक एव के बाद निकल रहा है अर्क रश्मि भी ही, तो अर्क रश्मि भी ही यानी अभी ही के द्वारा का अर्थ बता रहे हैं, किसके द्वारा बोले अर्क रश्मि भी यानी सूर्य की किरणों के द्वारा, अचानक ही जो अर्क रश्मि भी, अचानक ही जो सूर्य की किरणों के द्वारा जो तप्त अंगों का क्या हो जाता है, कहते हैं आचितम यानी बढ़ जाता है, क्या अंगों का अचानक ही क्या होता है, अचानक ही आचितम पित्तम, पित्त कैसा होता है, अचानक ही सहसा ही अचानक ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आचितम यानी बढ़ जाता है, क्या पित्त, कैसे अंगों का, बोले वर्षा शीतोचित, वर्षा कि ठंड के बाद में जो अर्क रश्मि भी ही यानी वर्षा की ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु में जो ठंड होती है उसके बाद में जो सूर्य की किरणों के द्वारा जो तप्त अंगों का अचानक ही आचितम पित्तम जो बड़ा हुआ पित्त है वो प्रायः क्या होता है, शरदी में कुप्यन्ति, शरद में कुपित हो जाता है, यानी बारिश के बाद जो दब धूप निकलने लगती है तो जो बड़ा हुआ पित्त होता है, पित्त जो बड़ा हुआ होता है आचितम पित्तम प्रायः शरदी, शरद में कुप्यंती, वो वर्षा ऋतु की ठंड में जो सूर्य की किरणों के द्वारा जो तप्त अंग होते हैं उनमें वो अचानक ही शरद में कैसा हो जाता है, वो बड़ा हुआ जो पित्त होता है वो शरद ऋतु में कुप्यंती कुपित हो जाता है, पित्त कुपित हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि तब उस टाइम भी भाई उल्टियाँ वगैरह बहुत होने लगती हैं, बुखार आ जाता है, उल्टियाँ होती हैं, सब चीज़ें होती हैं पित्त के कुपित हो जाने से होती हैं। तो कहते हैं तथा, अब उस प्रकार तो उसके लिए क्या करो, कह रहे हैं अन्नपानम, अन्नपान कैसा करो यानी अन्न खाओ, पानी कैसा पियो, कहते हैं मधुरम लघु शीतम सतिक्तम, मधुरम यानी मीठे, लघु यानी लघु का अर्थ क्या हुआ, हल्के, लघु का अर्थ क्या हुआ, छोटा नहीं, छोटे नहीं, लघु का अर्थ हुआ हल्के, यानी मीठे हल्के शीतम ठंडे, सतिक्तम तीखे भी, सतिक्तम जिसमें तीखापन हो वो भी, पित्त प्रशमनम, पित्त के शांति के लिए, प्रशमनम यानी शांति के लिए, पित्त के शांति के लिए सेव्यम यानी खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, मात्रया
उचित मात्रा किसके, सुप्रकांक्षितई है। सुप्रकांक्षितई यानी जितनी हमारी आकांक्षा हो या जितनी उचित मात्रा हो उतनी मात्रा, उतनी उचित मात्रा में हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इन अन्न और पान करना चाहिए। किनका, मधुर लघु शीतम और सतिकतम, ठीक है। इसके बाद कहते हैं शारदानी च, और शारदानी च माल्यानी वासांति विमलानी च। अब कहते हैं और क्या करना चाहिए, शरद ऋतु की बात कर रहे हैं, शरद काले में क्या करना चाहिए, कह रहे हैं माल्यानी, किस, कैसी शारदानी माल्यानी, फूलों की मालाएं वसांसी विमलानी, विमल वस्त्रों को अच्छे, कैसी विमल यानी स्वच्छ साफ सुथरे कपड़ों को पहनना चाहिए, फूलों की मालाएं पहननी चाहिए। अब जबकि कब की बातें हो रही हैं, ये हो रही है भाई जिस समय पे ये हमारे महर्षि पतंजलि ने, महर्षि चरक ने जब इस ग्रंथ को लिखा था, तब लोगों के जो आभूषण होते थे वो मालाएं होती थी, मालाएं पहनते थे, यानी फूलों का श्रृंगार ज़्यादातर किया जाता है, स्वर्ण आभूषण पहनते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इस समय पे शारदानी माल्यानी यानी मालाएं और कैसे विमल वस्त्र और साफ सुथरे वस्त्र शरद काल में प्रशस्यन्ति यानी प्रशंसनीय माने जाते हैं। और क्या प्रशंसनीय माना जाता है, एक और बात बताई गई है, प्रदोषे यानी सायकाल में च इंदुरश्मयः शब्द किससे मिलकर बना है, च इंदु रश्मयः यानी इंदु की, यानी इंदु यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं प्रदोष काल की, प्रदोष काल में इंदु की रश्मियां शरत काल में बड़ी प्रशंसनीय मानी गई हैं, मानी जाती हैं। तो ये हो जाता है इसका आपका अर्थ निकलेगा। अब इसके हम देख लेते हैं अन्वय कैसे, शरदी अर्क रश्मि भी तप्ता नाम, शरद में अर्क रश्मि भी यानी शरद ऋतु में जो अर्क सूर्य की किरणों के द्वारा तप्ता नाम तप्त हुए, वर्षा शीतोचित तप्त हुए, वर्षा में के शीत हुए ठंडे हुए अंगा नाम अंगों का आचितम पित्तम प्रायः सहसा प्रकुप्यंती, सहसा ही कुप्यंती अचानक ही कुपित हो जाता है। अतः इसीलिए, अतः शब्द उसमें लिखा नहीं है लेकिन इसका भाव निकल रहा है इसलिए लिख दिया है, सुप्रकांक्षित यानी जो अपना क्या चाहते हैं, अपना जो उचित अपना क्या चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं उनके लिए आकांक्षी होते हैं जो सुप्रकार आकांक्षित, जो अपना अच्छा चाहते हैं अपने लिए जो अच्छे की कामना करते हैं उनके द्वारा मधुर शीत सतिकतम पित्त प्रशमनम तथा आपन्नम। तो उस प्रकार के भाई जो मधुर हो शीत हो, लघु शब्द भी नहीं है लेकिन लघु मात्रा या सेवन यानी लघु मात्रा में सेवन करना चाहिए या फिर हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए तो हल्के में भी अर्थ आ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं शरत काले शारदानी चा माल्यानी विमलानी चा वसांसी प्रदोषे चा इंदुरश्मयः प्रशंस्यते, ठीक है। शरत काल में मालाएं कैसी, विमल वस्त्र और प्रदोष में, प्रदोष काल में यानी इस प्रदोष काल किसको कहा जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है और चंद्रोदय हो जाता है उस समय के काल को, उस बीच के काल को प्रदोष काल कहा जाता है, उस दो घंटे के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो उसकी इंदु रश्मियां भी प्रशंस्यते होती हैं। तो अब इसके हमारे अर्थ क्या बनेंगे, शीतोचित यानी वर्षा व शीत के, वर्षा शीतोचित यानी वर्षा और शीत के भाई जो अंग होते हैं तप्त अंग, अनुकूल हुए अंग, ता अंगा नाम जहाँ पर शीत, यहाँ पे वर्षा शीतोचित जो था उसके बाद में ता अंगा नाम है तो उसका भाई शीतोचित है ये पूरा शब्द, यहाँ पे डैश नहीं लगा हुआ है तो उसको हम लगा देते हैं, वर्षा शीतोचित अंगा नाम का अर्थ है वर्षा और शीत के अनुकूल हुए अंगों का, है ना। वर्षा में जब भाई ठंड हो जाती है उसके उचित जो अंग हो जाते हैं उसके अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन अचानक से क्या होती हैं जो सूर्य की किरणें जब निकलती हैं शरद में, सूर्य की किरणें निकलती हैं तो जो कुपित होता है वो अचानक ही कुपित होने लगता है। तो ये हमारा क्या है, एक ही शब्द है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लीजिए आप, ठीक है, इसको हम एक ही कर दे रहे हैं लेकिन इसको डैश लगा के हम कर लेंगे, ठीक है। यानी आधा ये है आधा ये है, वो भाई पूरा बड़ा हो जाएगा इसीलिए आधा आधा करके लिखा है, वर्षा शीतोचित अंगा नाम, वर्षा और शीत के जो उचित यानी उसके अनुकूल जो अंग हो जाते हैं अंगों का, अर्घ रश्मि भी सूर्य की किरणों से तप्ता नाम यानी तपे हुए, शरदी शरद ऋतु में कुप्यंती कुपित हो जाता है, विकृत हो जाता है,
पित्त प्रशमनम यानी पित्त को शांत करने वाले, सुकांक्षितई सुप्रकांक्षितई अपने अच्छे चाहने वालों के द्वारा, वसांसी यानी वस्त्र, विमलानी यानी साफ सुथरे, प्रदोषे ठीक है, प्रदोषे यानी रात्रि में, रात्रि में इंदुरश्मय है चंद्रमा की किरण है, शारदानी, शारदानी कैसे होते हैं, माल्यानी जो लिखा ना माल्यानी, कैसी माला है शारदानी, शारदानी का अर्थ क्या हो, सर्दी में खिलने वाले फूल, श्वेत कमलों की माला ठीक है, सर्दियों में जो खिलने वाले होते हैं एक प्रकार के शारदानी शब्द यहाँ पे श्वेत कमलों के लिए भी आया है ठीक है, तो उनकी माल्यानी यानी उनकी मालाएं, और कैसे विमलानी वसांसी, वसन किसको कहा जाता है, वस्त्रों को कहा जाता है, तो कैसे विमल वसानी, विमल यानी साफ सुथरे वसन का हमें धारण करना चाहिए, प्रशंसित यानी प्रशंसनीय होती है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि शरद ऋतु में विविध भौगोलिक कारणों से पित्त संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से तपे हुए, वर्षा और शीत के अनुकूल हुए अंगों का एकत्र हुआ पित्त अचानक ही विकृत हो जाता है। भाई वर्षा में जो ठंड हो रही है उससे वर्षा हो रही है, ठंड हो रही है, ठंडक हो जाती है, तो उससे हमारे जो भाई शरीर एक या दो दिन या चार दिन, भाई किसी कोई जब ऋतु परिवर्तित होती है तो उसके शुरुआत के आप 8-10 दिन मान लो, तब तक हमारे शरीर को उस मौसम के अनुकूल ढलने में समय लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसी के अनुकूल हो जाता है। अब लेकिन वही बात होती है कि वर्षा में जब वर्षा हो रही है तो उस मौसम की आदत हो गई हमारे शरीर को कि यह अब इस मौसम में पृथ्वी की वाष्प उड़ती है तो उमस भी होती है, हवाएं चलती हैं, ठंडक हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों की हमें हमारे शरीर को आदत हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। लेकिन उसके बाद में शरद में जो अर्क रश्मि भी यानी जो सूर्य की किरणें आती हैं उनके द्वारा जो तप्त अंग हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उससे जो क्या होता है आचितम पित्तम यानी बढ़ा हुआ जो पित्त होता है वो कैसा हो जाता है, सहसा एव कुपितम, अचानक ही फिर कुपित हो जाता है, तो फिर वो बुखार आने लगता है, उल्टियाँ। इसीलिए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद में जो धूप होती है उसमें नहीं निकलना चाहिए, मतलब अचानक से जब तेज धूप पड़ रही हो तब धीरे धीरे उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहा अब तो बारिश के बाद अब धूप आ रही तो निकलना हानिकारक हो जाता है, क्योंकि पित्त कुपित हो जाता है। इसलिए अतः अपना शुभ चाहने वालों के द्वारा इस ऋतु में शीतल, शीतल लिखा है मधुर तीखे पित्त को शांत करने वाले अन्न आदि का अल्प मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। अब लिखा हुआ है शरद काल में श्वेत कमलों की मालाएं, शरदा शारदानी माल्यानी यानी श्वेत कमलों की मालाएं, साफ सुथरे वस्त्र, रात्रि में चंद्रमा की किरण विशेष रूप से प्रशंसनीय होती हैं। वही देखिए कौन सा रात्रि, अब रात्रि यहाँ पे क्या दिया है, जबकि जो प्रदोष जो लिखा हुआ है प्रदोष रात्रि को नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है कि प्रदोष काल होता क्या है, प्रदोष काल क्या होता है कि जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद में रात्रि होने तक, आप ये देखिएगा कब की बात हो रही है, अब ये शरद की बात हो रही है, तो अब इस बात को अब आगे आप जब भी शरद ऋतु का आगमन हो तब इस चीज़ को देखिएगा। अब आप कहोगे शरद ऋतु हम कब माने, तो सितंबर अक्टूबर ही हम आपको बता रहे हैं, तो ये महीने तो समझ जाएंगे ना आप ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में देखिएगा कौन सा समय प्रदोष काल क्या कहलाएगा, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त के बाद एकदम तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य अस्त हुआ और एकदम अंधेरा हो गया, नहीं होता ना, सूर्यास्त के बाद में अंधेरा, सूर्यास्त के जिस समय पे हो, मान लीजिए कि 6 बजे सूर्यास्त हुआ है उसके 2 घंटे मान लो, 2 घंटे जो होते हैं उस काल को क्या कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है, तो उसको रात्रि नहीं कहेंगे, तो हम उसको प्रदोष काल किसको कहेंगे कि 2 घंटे तक के बीच का जो समय होता है, यानी 6 से मान लो तो 8 तक ठीक है, तो 2-2.5 घंटे का जो एक समय होता है वो हमारा प्रदोष काल होता है, तो उस समय पे जो चंद्रमा की किरणें हैं वो वैसी कैसी प्रशंसनीय होती है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही अब ऐसे तो आप याद नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नवरात्रियाँ होती हैं, नवरात्रि शुरू होती है ना शरद वाली, है ना, जो सर्दियों वाली जब झांकी लगती हैं, तब उस समय पे जब शाम होने लगती है फिर उसके बाद में चंद्रमा होता है, तो उसकी चंद्रमा कितना शीतलता प्रदान करता है आपने खुद ही सोचा होगा, होता क्या नहीं, उसी समय पे शरद पूर्णिमा होती तो आप केवल चंद्रमा को देखेंगे भर तो आपको देख के ही ठंडक मिलेगी, तो वो जो किरणें होती हैं वो बहुत प्रशंसनीय होती हैं, उनका उनके में हमें बैठना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखते हैं, है ना, छत पे अपनी बांध कर रख देते हैं, तो क्या होता है कहते हैं कि अमृत गिरता है उस समय पर, तो अमृत क्या, वो किरणें जो होती हैं वो अमृत तुल्य होती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमारी कही गई हैं।
अब भावार्थ संस्कृत में आप कैसे लिखेंगे? अत्र भावो अयम यत। यहाँ पे भाव ये है कि शरद काल में सूर्यसी किरणें सूर्य की किरणों के द्वारा तप्तानाम अंगानाम तप्त हुए अंगों के में एकत्रित पित्त सहसाव्य कुप्यंती अचानक ही कुपित हो जाता है। यश शांते जिसको शांत करने के लिए मधुराणाम तिक्तानाम शीतलानाम मधुर तिक्त और शीतल खाद्य पदार्थों का अल्पमात्रा सेवनम कुर्म अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब ये अल्प मात्रा लिखा हुआ है अल्प के लिए लघु आ गया है लेकिन हल्के भोजन के लिए भी प्रयोग होता है। भाव यह है कि शरद काल में सूर्य की किरणों से तपे हुए अंगों का एकत्र हुआ पित्त अचानक ही विकृत हो जाता है जिसकी शांति के लिए मधुर तीखे और शीतल खाद्य पदार्थों का हमें अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। अच्छा देखिए क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे जो पाठ है कौन सा ऋतुचर्या कहाँ से लिया गया है चरक संहिता से तो इसको लिखा है महर्षि चरक ने ठीक है। अच्छा उनके अनुवादक कौन हुए महर्षि अग्निवेश हुए। अब अग्निवेश जी ने भाई उसका क्या किया अनुवाद किया फिर इसके बाद में फिर इन भाई जो सरलीकृत किया उसको जब सरल हो गया फिर इसके बाद में सभी के अपने अपने हिसाब से उसको और अनुवाद करते हुए लिखते हैं ठीक है ना। अनुवाद किया है तो जैसे जो लघु शब्द है कहीं कहीं पर उसमें हल्के भोजन की बात हो जाती है और कहीं पर वही मात्रा के साथ में लघु जुड़ के वो लघु मात्रा यानी कम मात्रा को दर्शा देता है। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा कि भाई हम कहें कि लघु का हल्केपन हल्के भोजन के लिए अर्थ हो रहा है या फिर अल्प मात्रा के लिए हो रहा है ठीक है ना। तो हम दोनों ही अर्थ इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें क्योंकि सभी के अलग अलग मत होते हैं सभी अनुवाद अलग अलग प्रकार से करते हैं। अब लिखा है वर्षा शीतोचित अंगानाम यानी वर्षा शीत से उचित अंगानाम वर्षा शीत के अनुकूल हो गए। अब यहाँ पे देखिए तो ओ की मात्रा कहाँ से आई है शीतोचित जो लिखा है ना हमने कहा था शीतोचित तो शीत में से उचित शब्द को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे एक और लिखा है शीतोचितांगनाम तो चित अलग हो गए उचित अलग हो गया तो चिता तो आ जो अ और दो मिले तो ये चित में कौन सा बड़ा आ की मात्रा जुड़ गई कौन सी संधि हमारी दीर्घ संधि से तो ये हो गया वर्षा शीत उचित और अंगानाम से वर्षा शीतोचित शीतोचितांगनाम हमारा बना अंगानाम बन गया। सहसैर अब लिखा है सहसा एवा अर्क रश्मि भी तो सहसा अलग निकाल देंगे एव हमारा अलग निकलेगा और एवा जो शब्द है एवा क्या होता है कुछ नहीं तो बोले अर्क से अर्क रश्मि भी का अर्क अ इसमें जुड़ा भाई बड़े आ को तोड़ा तो दो आ में टूट गया तो ये एव रह गया और अर्क हमने अलग कर दिया तो इस प्रकार से ये दो हमारे शब्द बन जाते हैं। अब यहाँ लिखा है तथान्नपानम तो तथा अन्नपानम तो तथा अलग कर दीजिए तो अन्न अलग निकल आएगा और पानम हमारे साथ में ही है अन्नपानम तो अन्नम पानम च यहाँ पे अन्नपान जो है वो द्वंद्व समास से जुड़ा हुआ है। चेंदुरश्मया च इंदुरश्मया जैसा कि हमने बताया था कि अ और ई के मिल से ए की मात्रा बन जाती है सो गुण संधि का ये यहाँ पे नियम लग के बन गया। अब पद परिचय में देख लेते हैं अंगानाम नामनाम षष्ठी का बहुवचन तो अंग मूल शब्द में षष्ठी के बहुवचन से हमारा ये रूप बन गया। रश्मि भी कहाँ आता है तृतीया के बहुवचन में तो रश्मि मूल शब्द है तृतीया के बहुवचन में भी ही दिख जाए समझ जाइए। अई की मात्रा विसर्ग दिख जाए समझ जाइए कि इसमें भी तृतीया का बहुवचन है ठीक है। अकारांत शब्द में अई की मात्रा और विसर्ग लगाया दिया जाता है। शरदी तो शरद में सप्तमी के एक वचन में हमारी कौन सी शरद शब्द शरदी बन गया। मात्रया मात्रया तो यहाँ पे मात्रा शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो जैसे लता शब्द लतया बनता है तो मात्रा शब्द मात्रया बन गया यानी अ की मात्रा के आ की मात्रा का लोप होके यहाँ पे या जुड़ गया ठीक है। तो ये तृतीया का एक वचन है। अब देख लेते हैं पद परिचय। अब देख लीजिए इसमें प्रशंसीयते जो शब्द बना है यानी प्रशंसनीय है प्र उपसर्ग शंस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से हमारा रूप प्रशंसीयते बन जाता है। कुप्यंती कुप धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है क्योंकि भाई आपसे धातुएं और ये पद परिचय पूछ लिए जाते हैं। समास देखेंगे वर्षा शीतोचित अंगानाम यानी वर्षा में तो वर्षा यम शीत है शीत से शीत के लिए उचितानाम वर्षा ऋतु में शीत के लिए जो उचित उचित और अनुकूल उचित के संग में अनुकूल भी शब्द जोड़ दिया यानी उचितानाम अंगानाम उचित और अनुकूल अंगों का
ठीक है, अनुकूल लिखे ना भी लिखे, लेकिन एक सही अर्थ बताने के लिए इसमें बता दिया गया कि वर्षा में शीताय उचितानाम अंगानाम, वर्षा ऋतु में जो शीत के लिए जो उचित अंग होते हैं वो अचानक से, जब क्या होता है जब अर्क रश्मि दी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं उससे तप्त अंग हो जाते हैं, तो जो बढ़ा हुआ पित्त होता है वो कुपित हो जाता है। अर्क रश्मि भी यानी अर्क की रश्मियाँ, अर्क यानी सूर्य की रश्मियाँ, तो अर्क में षष्ठी विभक्ति लगा दी है क्योंकि काकी के का अर्थ निकल रहा था। षष्ठी विभक्ति से भाई अर्क में को अर्कस से बना दिया, अर्थ निकाला अर्क का या अर्क की या अर्क के। रश्मि यानी किरणें, ठीक है, तो कौन सी समास से अलग हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास से। सप्तिक्तभम, अब देखिए स तिक्तम, अब स अर्थ सहित कार्य बता रहा है, अभी हमने बताया था कि स कहीं लगा हुआ हो तो उसको सहित में बदल दीजिए, लेकिन उसको पीछे लिखिए। उपसर्ग जब अव्यय में बदलेगा तो वो पीछे चला जाएगा, मूल शब्द आगे आएगा, और सहार्थे तृतीय नियम से तिक्त में तिक्तेन बना दिया, ठीक है। अब लिखा है प्रत्त प्रशमनम, यानी पित्त की शांति के लिए, तो पित्त की पित्त में काकी के का अर्थ छुपा हुआ था सो अलग कर दिया और प्रशमनम अलग कर दिया। अब कहते हैं इंदु रश्मय यहाँ, यानी इंदु की रश्मियाँ, तो इंदोह रश्मय यहाँ, यानी इसका अर्थ हो जाएगा चंद्रमा की किरणें। अब देखते हैं तप्तानाम, तप्त शब्द किससे मिला, तप में इक्त प्रत्यय से लग बना तप्त, और इसके बाद पुरलिंग में नाम नाम कहा आता है षष्ठी के बहुवचन से। एनसीईआरटी ने जो आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यही प्रश्न उत्तर कि जिस गद्यांश या जिस पद्यांश से मिलकर बन रहे हैं, जिस श्लोक से संबंधित है, वहीं पर उस श्लोक को लिखकर वही प्रश्न उत्तर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इसका उत्तर कैसे बनेगा। तो हमें एनसीईआरटी के भी अभ्यासों को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है संस्कृति ने उत्तराणी देयानी, यानी संस्कृत के द्वारा आपको उत्तर देने हैं। अब लिखा है पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अयम पाठः, यानी ये पाठ कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से संकलित, किस ग्रंथ से संकलित है। कह च तस्य प्रणीता, कश्च, कश्च किससे मिलकर बना है, कह और च। अब कश्च को वैसे हम विग्रह करें तो इस प्रकार से भी दिखता है कश्च, और ये श और च आ जाए तो वही हमारी सत्व संधि का नियम कि जो स होता है आधा स, अगर च के पहले दिख रहा है या ट के पहले दिख रहा है, ता के पहले दिख रहा है, सा तीन प्रकार के हो सकते हैं लेकिन वो विसर्ग से आते हैं, तो मूल शब्द कह हमारे सामने आ जाएगा और अलग करके देखेंगे तो कह च बन जाएगा। और कौन तस्य प्रणेता, और कौन इनके प्रणेता हैं, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित किया गया है, किस ग्रंथ से, कस्मात ग्रंथात, दोनों में पंचमी है इसीलिए हम सेकार्थ बोल रहे हैं, है ना, किस ग्रंथ से संकलित है, संकलित किया गया है। कह च और कौन तस्य प्रणेता, उसके प्रणेता हैं, तो आप कहेंगे अयम पाठः, किस ग्रंथ से लिखा है, तो आप कस्मात ग्रंथात, उस ग्रंथ का नाम लिखेंगे चरक संहिता, लिखेंगे चरक संहिता, तो यह पाठ चरक संहिता इति ग्रंथात, अब अकस्मात की जगह चरक संहिता हो गया, इति लगा दिया समाप्ति सूचक अव्यय, ये क्योंकि इससे आपको पता चल जाए कि चरक संहिता बस इतना ही है ना, आगे कोई ग्रंथ दूसरा नहीं है, तो आप कहेंगे चरक संहिता इति ग्रंथात, तो किसकी जगह आपने कह दिया चरक संहिता, इस ग्रंथ से संकलित, संकलित है। अब कह च और कौन इनके प्रणेता है, तो आप बता देंगे महर्षि चरक, तो आप कहेंगे क्योंकि कह के स्थान पहले कह अर्थ कौन का अर्थ बता रहा है, तो प्रथमा विभक्ति में पहले उनका हम नाम लिख देंगे, नाम बताने के लिए वैसे भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है और कह में भी प्रथमा है, इसीलिए उत्तर अपने आप ही प्रथमा विभक्ति का बन रहा है। कह यानी महर्षि चरक, कह च तस्य प्रणेता, उसके प्रणेता हैं, उनके द्वारा चरक संहिता को लिखा गया, फिर अनुवादक हमारे महर्षि आगे अग्निवेश हुए, ठीक है। तो अयम पाठ हम लिखेंगे किस प्रकार से उत्तर, अयम पाठ चरक संहिता इति ग्रंथात संकलितः महर्षि चरक च अस्य प्रणेता अस्ति। तो देखिए आपको केवल दो शब्द ही जोड़ने पड़े, कस्मात की जगह आपने चरक संहिता जोड़ दिया, कह के स्थान पर महर्षि चरक जोड़ दिया और बाकी कई सारी चीजें आपको अपने प्रश्न में से ही मिल गई। अब आगे लिखा हुआ है प्रश्न हमारा दूसरा, कह रहा है कि कति ऋतवः भवन्ति, कति ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं, तो कति जहां पर लिखा हुआ हो याद रखिएगा कि उसके स्थान पे निश्चित ही संख्या आनी है, तो आप कहेंगे कितनी ऋतुएं होती हैं, छह ऋतुएं होती हैं, छह हमारे भारत, क्योंकि जो आचार्य चरक हैं वो भारत के हैं,
तो उन्हें भारत में 6 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, 6 प्रकार के मौसम में बदलाव होते हैं, उनको हम ऋतु से की संज्ञा दे देते हैं, तो उन बदलावों को ऋतु कहा जाता है। तो कितनी बदलाव होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, तो 6 ऋतुएं बन जाती हैं। तो कहा कति ऋतवः सन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं? आप कहेंगे षड् ऋतवः भवन्ति। उत्तर हमारा प्रश्न में से ही बन गया। कानि च तेषां नामानि, और कौन से उनके नाम हैं? तो अब आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो हेमंत से शुरू किया गया था, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। अब हेमंत ऋतु का हम आपको थोड़ा सा बता दें, वैसे तो पाठ में पढ़ा चुके हैं सारी ऋतुओं को, फिर भी बता देते हैं कि भाई इसको हेमंत को हम नवंबर दिसंबर का महीना मान लेते हैं, है ना, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ठंड की थोड़ी थोड़ी शुरुआत होने लगती है, शिशिर में वही ठंड बढ़ जाती है। इसके बाद वसंत आते आते गर्मी का आगमन होने लगता है, ग्रीष्म में अच्छी बढ़िया गर्मी पड़ती है, फिर इसके बाद वर्षा में अच्छी 2 महीने बारिश होती है, और वर्षा के बाद में जो दो महीने होते हैं जिसमें सर्दी और गर्मी, भाई वर्षा के बाद की गर्मी भी शुरू होती है, और लेकिन हमारी हेमंत ऋतु का आगमन होने लगता है, तो वो बीच का मौसम रहता है, उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। तो अगर 2-2 महीने में, 6 ऋतुओं को 2-2 महीने में तोड़ें, तो अंग्रेजी के जो हमारे महीने होते हैं, सो हम कहेंगे हेमंत हमारा नवंबर दिसंबर, शिशिर हमारी हो गई जनवरी फरवरी, वसंत हो गया मार्च अप्रैल, और ग्रीष्म हो गई मई जून, वर्षा हो गई जुलाई अगस्त, और शरद हो गया हमारा सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो ये सितंबर अक्टूबर ये हमारे इस प्रकार से महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, च। ठीक है, चब इसलिए क्योंकि सब के बाद में और बीच में लगाते हैं, तो एक चा ने सबके बीच में और लगा दिया कि हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ठीक है, ये नाम हो गए। अब इसके बाद में हम कहेंगे शिशिरे, यानी शिशिर में कौन सी, ये वाली आ गई जनवरी फरवरी वाली, शिशिरे किम किम वर्जनीयम, क्या क्या वर्जनीय है, क्या क्या वर्जित होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का हमें निषेध करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें वर्जित हैं, कौन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा गया है। तो आप कहेंगे शिशिरे, अब किम किम की जगह हमें बता देना है, क्या कहेंगे, कटु, क्योंकि हर एक ऋतुओं के आहार के बारे में इस पाठ में बताया गया है, तो क्या बताया था कि उसमें कटु, तिक्त, कषायाणी यानी कड़वे, तीखे और कसैले, वातलानी यानी वायु उत्पन्न करने वाले, लघुनी हल्के, शीतलानी और ठंडे, च और ठंडे अन्नपानानी, ऐसे अन्न और पान का वर्जित, हमें वर्जन वर्जित कर देना चाहिए, उनको हमें वर्जित कर देना चाहिए। तो कैसे कैसे, कटु, तिक्त, कषायाणी यानी कटु यानी कड़वे, तिक्त यानी तीखे, कषायाणी कसैले, वातलानी वायु उत्पन्न करने वाले, लघुनी हमारे हल्के, हल्के कहते हैं हल्का भोजन करो, हल्का भोजन जनवरी फरवरी में कभी नहीं करना चाहिए, अच्छा पेट भर के करना चाहिए, भारी भोजन करना चाहिए, क्योंकि पाचन शक्ति अच्छी होती है। अब आप साल भर हल्का भोजन करोगे तो दूसरी साल में उठ नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि भाई शरीर को उसकी ऋतु के अनुसार, उसकी पाचन शक्ति के अनुसार खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आराम से बढ़िया, खूब कहते हैं ना कि सर्दियों में खूब दबा के खाओ, खूब सेहत बनाओ, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पे पाचन शक्ति हमारी अच्छी होती है। तो लघुनी, लघुनी यानी जो लघु हल्का भोजन है उसको त्याग दो, हल्का भोजन मत करो, अच्छा करो, खूब करो, लेकिन वात लानी जिससे वात उत्पन्न हो, वात रोग यानी वायु से रोग जनित रोग उत्पन्न हो, उन्हें नहीं खाओ, ठंडे नहीं खाओ, शीत लानी कह दिया ठंडे मत खाओ, ऐसे अन्न, अन्न यानी खाने योग्य, पानी यानी पीने योग्य चीजें नहीं खाना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए वर्जित। अब लिखा है वसंते कायाग्नि किम कह बाधते, वसंत में जो कायाग्नि होती है, वसंत ऋतु जब आती है शिशिर के बाद, यानी जैसे ही वही फरवरी मार्च का महीना, और जो शुरू मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है उसमें कायाग्नि कह बाधते, कायाग्नि से क्या बाधित होता है, कायाग्नि यानी काया में जो अग्नि है उससे क्या बाधित होता है, उससे कहते हैं निचितः श्लेष्मा, यानी बड़ा हुआ जो कफ होता है वसंत ऋतु में वो कैसा होता है, परेशान होता है, मतलब बाधित यानी उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं वसंत ऋतु में, क्योंकि सर्दी के बाद में भाई हर एक ऋतु की बात यही है कि जब हम
किसी नए मौसम में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर पहले वाली ऋतु के अनुकूल हो जाता है, क्योंकि 2 महीने का समय बहुत होता है, 60 दिन। 60 दिन में मान लो कि ऋतु शुरू हुई तो उसके 10 दिन तक हमें उसके अनुकूल ढलने में परेशानी आएगी, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर बाकी के 50 दिन हमारे फिर स्वस्थ निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारा शरीर अपने आप ही उनके अनुकूल हो जाता है। और भाई जब बीमार होते हैं ना तो अपने आप समझ में आ जाती है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है ना। और फिर नहीं मानते हैं, पर बार बार उसी चीज़ को करते हैं तो फिर बीमार बने रहते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि जो वसंत में जो कायाग्नि होती है उस वो क्या करती है, निचित श्लेष्मा, उसमें जो कफ बढ़ा हुआ जो कफ है उसमें परेशानी उत्पन्न हो जाती है। अब आगे लिखा है ग्रीष्म कीदृशम अन्नपानम हितम भवति, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार का अन्नपान हितकारी होता है। तो आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु में कीदृशम यानी घृतम पयः सशाल्यनम चाहितम। अब गर्मी में हमें घी दूध और सशाल्य यानी धान आदि अन्न का क्या करना चाहिए, हितकर होता है, हमें खाना पीना चाहिए। कस्मिन ऋतु पवन आदयः कुप्यन्ति, किस ऋतु में पवन आदि कुपित होती हैं, तो कस्मिन में आप बताएं, बताइए वायु जनित रोग कब होते हैं, क्या कहेंगे वर्षा ऋतु में, तो कस्मिन के स्थान पे हम वर्षा लिख देंगे, बाकी का हमारा यहीं पर उत्तर मिल जाएगा कि वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु में पवन आदयः कुप्यन्ति। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर जो कहता है शरद ऋतु पित्तौ प्रशमनाय किम किम सेवव्यम, शरद ऋतु में पित्त की शांति के लिए क्या क्या सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में भी अपन पढ़े, अगले 2 वीडियोज़ में हमने आपको पढ़ाया था, तो क्या कहा था कि शरद ऋतु में पित्त की शांति के लिए हमें मीठे मधुरम शीतम सतिक्तम अन्नपानम सेव्यम, हमें मधुर मीठे और तीखे, है ना, मधुर यानी मीठे, शीतम यानी ठंडे और तिक्तम यानी कैसे हुए सतिक्तम, तिक्त से सहित, कैसे तिक्त से तीखेपन से, तिक्त कार्य क्या होता है तीखे, तीखेपन से सहित अन्न पान का सेवन करना चाहिए। आगे लिखा है हिमागमे कीदृशानि अन्नपानानि वर्जित, हिमागमन पर किस प्रकार के अन्नपान कैसे होते वर्जित होते हैं, हम हेमंत की बात हो रही, तो हिमागमे यानी हेमंत ऋतु में कैसे कहें वातलानी लघुनी अन्नपानानी उदमंथम च वर्जित, हेमागमन पर वातलानी जैसे शिशिर में होता है खान पान, वैसा ही खान पान हेमंत में होता है, हेमंत पहले आती है शिशिर बाद में आती है, तो जो हेमंत में पालन किए जाते हैं वही शिशिर में पालन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हेमागमन पर वातलानी वात उत्पन्न करने वाले, लघुनी यानी हल्के अन्नपानानी अन्नपान का, और किसकी बात कही है उदमंथम यानी जो से बने हुए पदार्थों का भी क्या करना चाहिए वर्जन कर देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए। अब आगे लिखा है शिशिरे शिशिर में कीदृशम ग्रहम आश्रित, शिशिर में किस प्रकार के घर में रहना चाहिए जो निवात हो वायु से रहित हो और अधिक उष्ण हो, तो कहेंगे हम कीदृशम घर की विशेषता बतानी, तो आप कहेंगे अधिकम उष्णम जो अधिक गर्म हो, और एक और बात आया था हमारा निवातम जो वात से जिसमें ठंड जिसमें हवा ना जाए और अधिक गर्म हो उस घर में रहना चाहिए। वसंते कानी कर्माणि कार्यते, वसंत में कौन से कार्य करने चाहिए, ठीक है, तो कौन से वसंत ऋतु में क्या बताया गया कि वसंत में जो कौन सा होता है, बताया था कि अभी जो हमारा कफ होता है, यहाँ पर हमने भी पढ़ा था कि जो कफ होता है बढ़ा हुआ किस वसंत ऋतु में कायाग्नि के द्वारा, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, वमन आदि कर्माणि, वमन आदि कर्म हमें करने चाहिए, वमन यानी उल्टी जो कहते हैं ना कि हो गई, तो वोमिट जिसको कहते हैं, तो कहते हैं उसके द्वारा उस कफ को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ कफ होता है, ठीक है। तो कहते हैं वसंते कानी कर्माणि कार्यत, और वो भी ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं, ये योग की एक प्रक्रिया है, योग जो बताए गए हैं उनकी ही एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ये क्रियाएँ की जाती हैं। तो वसंते कानी कर्माणि कार्यत, वसंत में वमन आदिनी कर्माणि कार्यत, ठीक है। व्यायाम कदा वर्जित, व्यायाम कब वर्जित है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, कहते हैं गर्मी में एक्सरसाइज नहीं करो, क्यों, क्योंकि व्यायाम के लिए भी बड़ा अच्छा नियम बताया गया है। ऐसे आप जब भाई व्यायाम करने जाते हैं, कहते हैं हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, भाई वर्कआउट करने जाओ बढ़िया है,
लेकिन उसके नियम हमारे ग्रंथों में इतने स्पष्ट लिखे हुए हैं कि कोई आपको इतना अच्छा नहीं बता सकता है। कैसे? 10वीं कक्षा में पढ़ा था व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ पढ़ा है, उसमें दूसरा तीसरा पाठ है। तो तीसरे पाठ में 10वीं कक्षा में बहुत अच्छी बात लिखी गई थी कि व्यायाम के लिए आप जाएंगे तो आपके ट्रेनर कहेंगे आप 15 मिनट इसको करो, 10 मिनट ये करो, 20 मिनट भागो, 40 मिनट तक लेटे रहो, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिनट में बताएंगे। लेकिन व्यायाम के लिए हमारे योग शास्त्रियों ने, योगाचार्यों ने क्या बताया कि व्यायाम आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए? बोले आपका शरीर स्वेद युक्त हो जाए, यानी पसीने से युक्त हो जाए, समझ लो आपकी मात्रा समाप्त हो गई, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। शरीर में आपने व्यायाम करना शुरू किया और शरीर भले ही चाहे वो 10 मिनट में ही आपका स्वेद से परिपूर्ण हो गया, स्वेद यानी पसीने से युक्त हो गया, तो समझ जाइए आपकी मात्रा का व्यायाम हो गया। क्योंकि हम धीरे धीरे उस मात्रा को बढ़ाते हैं तो जो स्वेद आने की वो मात्रा होती है वो धीरे धीरे हो जाती है, लेकिन शरीर के हिसाब से बता दी गई है मात्रा, उससे अधिक वर्जित है। तो ये हमें किसी ट्रेनर से नहीं बता पाएगा, हर एक का आंकलन नहीं करके बता पाएगा, लेकिन हमारे योगाचार्यों ने उसके लिए बता दिया कि आपको कितना मात्रा में करना है। तो व्यायाम कदा वर्जित, व्यायाम कदा का अर्थ है कब, तो कब का जब उत्तर लिखें कदा का उत्तर तो हमेशा सप्तमी विभक्ति में लिखें, तो आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में वर्जित। आगे लिखा है इंदु रश्मियाँ कदा प्रशंस्यते, इंदु की रश्मियाँ यानी जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो कब प्रशंसनीय होती हैं, तो आप कब कहेंगे प्रदोषे, है ना, शरद ही प्रदोषे लिख दो और भी अच्छा लिखेगा कि शरद काल के, शरद काले प्रदोषे लिख दो तो और भी पता चल जाएगा कि इंदु की रश्मियाँ। अब क्योंकि प्रदोष काल तो हर एक दिन होता है, 12 महीने हुए होता है, लेकिन किस मूल महीने की बात कही गई है, तो यहाँ पे आप शरद यानी शरद में प्रदोषे, शरद, और अगर साथ में लिखें तो फिर शरद की विभक्ति भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में ही सप्तमी विभक्ति हो रही है, तो आप शरद प्रदोषे भी लिख सकते हो, लेकिन डैश लगा के एक पद बना के लिखिएगा तो एक ही विभक्ति में काम चल जाएगा, और नहीं तो अलग अलग लिखेंगे तो आपको शरदी यानी शरद में प्रदोष में, तो दोनों में विभक्ति, भाई दोनों में विभक्ति क्या उचित नहीं होती ना, तो इसीलिए क्या कर देते हैं हम एक पद बना के समासिक पद बना देते हैं, तो अच्छा लगता है एक व्याकरण के लिए। शरद प्रदोष यानी शरद ऋतु के प्रदोष में हमें क्या होना चाहिए, तीन प्रकार से हमने बता दिया, अकेले प्रदोषे को ना लिख के शरद जोड़ देंगे तो अलग जोड़ें तो शरद ही लिखना, साथ में जोड़ें तो शरद अकेला भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। अब चलते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान पूर्ति ही क्रियाताम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें, भाई रिक्त स्थान सारे आए कहाँ से हैं, श्लोकों से, श्लोक के बीच बीच में से आपके शब्दों को हटा दिया गया है, आपको श्लोकों के माध्यम से उनको पूरा करना है। आप जैसे हिमाग में लिखा है लघु नीचा अन्न पानानी वर्जित, कैसे अन्न पान वर्जित है, तो आप कह देंगे वात लानी यानी वात उत्पन्न करने वाले हल्के ऐसे अन्न और पान यानी ऐसा खाना और पीना हमारे लिए वर्जित होता है। अब लिखा है शिशिरे निवातम, शिशिर में निवातम यानी बिना हवा वाला च गृहमाश्रित, और ऐसे घर में रहने चाहिए, और कैसे घर में, तो जो अधिकम उष्णम, जो अधिक उष्ण हो ऐसे में। तो जो श्लोक हमारा बता रहा है वैसे ही वह सारे हमारे प्रश्न ही हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दिवा स्वप्नम वर्जित, दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना कब वर्जित होता है, वसंत ऋतु में, यानी कि मार्च अप्रैल की जो महीना होता है उसमें दिन में नहीं सोना चाहिए। ग्रीष्म घृतम पयः, ग्रीष्म ऋतु में घृतम पयः यानी हमारा धृतम यानी हमारे घी और दूध, भजन नर ना सीदती, ऐसे यानी ऐसे नर जो इनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, खाते हैं, वो नर ना सीदती, उनको कोई, उन नरों को, उन व्यक्तियों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता है। तो घृतोपाय के संग में क्या आया था, शशाल्यनम, शाल्य अन्नम यानी जो शाल यानी धान युक्त अन्न के सहित जो भोजन करते हैं उनको नर ना सीदती, वो जो नर हैं कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते हैं। विमलानी वसांसी प्रशंसते, विमलानी यानी कैसे, विमल यानी साफ सुथरे, वसांसी वसन यानी क्या हुए, वस्त्र, वसन को क्या कहा जाता है, वस्त्र, तो यहाँ पे कह रहे हैं वसांसी यानी कैसे वस्त्रों को पहनना चाहिए, विमल कब, शरदी, शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में
हम इस प्रकार से शरदी शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा के अपना रिक्त स्थान पूर्ण कर लेंगे। अब लिखा है मातृभाषया व्याख्यायन्तानो। अब यहाँ पे व्याख्यायन्ताम, आपको मातृभाषा के द्वारा व्याख्या आपको करनी है। अब आपकी मातृभाषा आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखें, बाकी अगर आपकी जो भी मातृभाषा हो, हम जो आपको समझा रहे हैं उसमें आपको समझाना है, आपको अपनी मातृभाषा में इसका अर्थ लिखना है। तो जो भी हिंदी भाषी होंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिर अल्पम विशेषणम। हेमंत शिशिर की तुलना में शिशिर में थोड़ा विशेष मात्रा में थोड़ा विशेष होता है। थोड़ा विशेष क्या क्या होता है कि ठंड अधिक बढ़ जाती है, इस प्रकार को बताया गया था। इस हमारी जब शिशिर की बात आ रही थी कि हेमंत शिशिरौ तुल्यौ, यानी हेमंत और शिशिर कैसे होते हैं, तुल्यौ, यानी दोनों समान ही होते हैं, लेकिन शिशिरे शिर जो शिशिर ऋतु है उसमें अल्प विशेषणम, कुछ थोड़ा अल्प विशेषण होता है, कुछ अल्प विशेष होता है थोड़ी सी। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसका विवेचन करते हुए लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि हेमंत और शिशिर ऋतुओं में वातावरण और खान पान आदि की दृष्टि से अत्यधिक समानता होती है। दोनों समान ही होते हैं, खान पान ले लो या फिर वातावरण ले लो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ठंड बढ़ना शुरू होती है और शिशिर में थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है, बस है ना। जनवरी फरवरी तक ठंड, मतलब चार महीने ये हमारे जिसमें सर्दी का ही वातावरण रहता है। किंतु फिर भी शिशिर ऋतु में ये एक विशेषता है कि इसमें हेमंत की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, बस यही इतना सा अंतर है उसमें। अल्पम विशेषणम, इतना विशेषण होता है कि शिशिर में ठंड ज़्यादा होती है, तो इसको अलग नीचे पंक्तियों में लिखा गया है। फिर इस प्रकार से हम बताएंगे कि ये चीज़ इसमें कही गई है कि हेमंत और शिशिर में वातावरण के हिसाब से कैसी होती है, समानता होती है। तो इसमें खान पान आदि सब चीज़ें हमें समान ही रखनी चाहिए, लेकिन बस इतनी विशेषता होती है कि इसमें ठंड अधिक होती है तो हमें गर्म घरों में रहना चाहिए। ये नीचे पंक्ति लिखी होगी तब बताएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा हमारा भैसी में श्लोक का एक अंश दे दिया गया है कि मयूखैर जगत सस्ने स्नेहम ग्रीष्मे पे पीयते रवि, यानी रवि की किरणों के द्वारा, रवि मयूखैर यानी रवि की किरणों के द्वारा जगतः यानी संसार में, संसार का क्या होता है, स्नेहम, स्नेह यानी रस, ग्रीष्मे गर्मी में पीपीयते बार बार सोख लिया जाता है। यानी रवि की जो किरणें हैं, भाई सूर्य जब तेजी से चमकता है तो वो ऐसा होता है कि जगत का जो भी रस है, यानी जल संसार में जो रस है, जल तत्व है, उसको बार बार सोख लेता है। तो इसको हम समझाते हुए व्याख्या करते हुए लिखेंगे कि यहाँ कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जगत का सारा रस बार बार पी लिया, पेपीयते यानी बार बार पी लेता है, अर्थात गर्मी में प्राणियों के शरीर के द्वारा जल या जो तरलता का अवशोषण अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इस ऋतु में पेय पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए, शरीर में जल की न्यूनता ना हो जिससे। तो ये हमारा इसका भी व्याख्या हो जाएगी। अब इसकी भी व्याख्या करनी है, उसको और समझाना है, केवल अर्थ नहीं लिखना है। मैं व्याख्या का मतलब ही ये होता है कि केवल अर्थ बताना, तो हमने अर्थ पहले ही करवा दिए, लेकिन व्याख्या है नहीं, उसको और डिटेल में समझाओ। शरत काले प्रशंस्यते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः, कहते हैं शरत काल में प्रशंस्यते, विशेष प्रशंसनीय होती है, प्रदोष काल में चेन्दुरश्मयः यानी इंदु की रश्मियाँ। इंदु का अर्थ हुआ, चेंदु शब्द किससे मिलकर बना है, च और इंदु से, च का अर्थ हुआ और इंदु का अर्थ हुआ चंद्रमा, रश्मयः इंदु रश्मि यानी चंद्रमा की किरणें, प्रदोष काल में, शरद ऋतु के प्रदोष काल में इंदु की किरणें जो हैं विशेष प्रशंसनीय होती हैं, यानी उनका हमें उनका पान जरूर करना चाहिए। मतलब कभी चंद्रमा की जो किरणें होती हैं शीतलता प्रदान करती हैं, तो उनमें वो अत्यधिक प्रशंसनीय होती हैं, तो उनमें हमें जरूर बैठना चाहिए। इस प्रकार लिखा है, इस पंक्ति में बताया गया है कि शरद ऋतु की रात्रियों में जो चंद्रमा की किरणें हैं विशेष रूप से प्रशंसनीय होती हैं। प्रदोष काल हमारा पूरा रात्रि तो नहीं मानी जाएगी, जो सूर्यास्त जब हो जाता है, सूर्यास्त के बाद में हमारे 2 या 3 घंटे तक, तो उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है, रात्रि नहीं कहेंगे हम, प्रदोष काल उसको कहेंगे अपना, ठीक है। यानी जो सायंकाल और रात्रि के बीच का जो समय होता है, यानी जो एक प्रकार से पूरी ना संध्या होती है और ना ही पूरी रात्रि होती है, उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है, विशेष रूप से प्रशंसनीय होती है। तो आप यहाँ पर रात्रियों की जगह के प्रदोष काल का भी लिख सकते हैं कि प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणें विशेष रूप से प्रशंसनीय होती हैं।
वैसे तो चंद्रमा की किरणें सदा ही शीतलता और आरोग्य प्रदान करने वाली होती हैं, परंतु शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों की शीतलता विशेष होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चतुर्थ प्रश्न पर। लिखा है ऋतुचर्या पाठम अधिकृत्य, यानी ऋतुचर्या जो पाठ है उस पर आधारित ऋतु, उस पर आधारित जो उसमें बताई हुई जो ऋतुएं हैं उनमें किम किम करणीयम, उनमें क्या क्या करना चाहिए, किम किम च ना करणीयम और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इति मातृभाषा है सुस्पष्टयत्, इसको आप अपनी मातृभाषा में स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि पहले हमने आपको पाठ सार भी पढ़ाया था, उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें आपको करवा बता दी थी, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से भी ये इन का आपको फिर से बोध करवा देते हैं कि किस ऋतु में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा खानपान होना चाहिए, इसका अत्यंत सटीक वर्णन प्रस्तुत पाठ में संकलित पद्यांशों में किया गया है जो आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। हेमंत ऋतु में दूध व गन्ने के रस से बने हुए पदार्थ, घी, तेल, नए चावल और गर्म पानी का सेवन करने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है। साथ ही शरीर में वायु तत्व की वृद्धि करने वाले हल्के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ और जौ के पानी से बने पदार्थ तथा ताजी हवा का सेवन छोड़ देना चाहिए। ये हेमंत ऋतु के बारे में आई। फिर शिशिर ऋतु में कहते हैं कि शिशिर में भी हेमंत ऋतु के समान ही खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा तीखे, कड़वे और कसैले अन्न से परहेज करना चाहिए। और बस एक और थोड़ी सी आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि शिशिर ऋतु में एक और जो हमें अपनी आदत बनानी चाहिए वो होती है कि हमें जो जहाँ पर कम हवा आए, कम हवादार और अधिक गर्म कम घरों में रहना चाहिए। ये भी एक भाई खान पान के नियम और क्या क्या हमें करना चाहिए उसी में शामिल होता है। वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों द्वारा जो प्रेरित होता है शरीर में बढ़ा हुआ कफ अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, इसीलिए इस समय पे क्या वमन आदि क्रियाओं के लिए बताया गया है कि इसलिए वसंत ऋतु में स्वास्थ्य लक्षण के लिए, स्वास्थ्य रक्षण के लिए आपको वमन आदि योग्य क्रियाएँ करनी चाहिए तथा भारी अम्लीय तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जब हमारा पित्त जैसे कुपित हो जाए, कफ वगैरह जब हो जाता है तब हमें भारी भोजन छोड़ देना चाहिए, खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, तेलीय पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में अम्ल, कई बार कहते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल यानी खट्टे, खट्टे में एसिडिक होता है ना, तो इसीलिए उनको खट्टे पदार्थों को अम्लीय तत्व कहते हैं, अम्लीय पदार्थ कहते हैं। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में स्वादिष्ट रसीले, स्वादिष्ट स्वादु रसीले रसयुक्त रसीले शीतल द्रव्यों का सेवन हितकर होता है, साथ ही घी, दूध, चावल आदि का सेवन भी लाभकारी होता है, परंतु लवण, अम्लीय, कड़वे और गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी अत्यधिक नमक का, अम्लीय तत्वों का, कड़वे और गर्म पदार्थों का सेवन गर्मी में नहीं करना चाहिए। और लेकिन कई लोगों को गर्म ही अच्छा लगता है, अरे वाह क्या गर्मा गर्म बन रहा है हम खाएंगे, तो वो गर्म चीज़ें नुकसान कर जाती हैं। वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, अत्यधिक वाष्पीकरण से वर्षण और अन्य जो भौगोलिक जो कारण होते हैं उससे शारीरिक जो अग्नि बल होता है हमारे अंदर, अग्नि तत्व होता है, कहाँ, जठराग्नि में, जठराग्नि को इंग्लिश में हम भी पढ़ते हैं पैंक्रियाज, उसमें भाई जो हमारी अग्नि तत्व होती है जो हमारे खाना हम जो खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको पचाने में मदद करती है, उसका दहन कर देती है जिससे कि वो सड़े नहीं, इसलिए वो जो अग्नि होती है वो कैसी हो जाती है वर्षा ऋतु में, क्षय हो जाती है, धीमी हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसके कारण वायु कुपित हो जाती है, अर्थात अतः वायु रोग की शांति के लिए पर्याप्त मात्रा में तब खट्टे भी खाओ, नमकीन भी खाओ, तेली पर जो गर्मी में नहीं खा रहे थे उनको बारिश में शुरू कर दो उपयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में क्या करना चाहिए, विविध कारणों से पित्त कुपित हो जाता है, इसलिए पित्त को शांति के लिए मीठे, तीखे और पेय पदार्थों का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए लेकिन अल्प मात्रा में। इसी के साथ साथ में एक और जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि शरद ऋतु में जो श्वेत कमल होते हैं उनकी मालाएँ पहनना, स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहन सकते हैं हम, पहनना चाहिए, और शरद ऋतु के प्रदोष काल में
आप लिख सकते हैं कि शरद ऋतु के प्रदोष काल में चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो भी अत्यधिक प्रशंसनीय होती हैं, तो उनका भी हमें सेवन करना चाहिए, उनका भी हमें पान करना चाहिए। पीते नहीं हैं लेकिन अगर वो हमारे शरीर में जा रही हैं तो उसको हम यही कहते हैं कि वो हमारे हम उनका सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे भाई सभी ऋतुओं का, और भी जैसे हमने जो समझाया है, ज़रूरी नहीं है कि शब्द से शब्द जो हम लिख के बता रहे हैं वही आप लिखें, आप अपने हिसाब से वर्णन कर सकते हैं। बस इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि कब कौन सी चीज़ खाना है और कब नहीं खाना है। याद ना रहे तो एक 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 ऋतु लिख लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए कि इसमें इसमें भारी वाला, इसमें ऐसा, इसमें ये वाला, इसमें खट्टे, इसमें नहीं। बस ऐसे छह ऋतुओं की अलग अलग अपना आपका भाई वो आपके काम में भी आएगा कि जिससे आगे अब आप अपनी जब भी आपका जो ऋतु चल रही हो उसके हिसाब से आप अपने आहार को बना सकते हो कि हमें किसी की डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, हम अपना जो भोजन है अपने हिसाब से कर सकते हैं। भाई जो आचार्य महर्षि चरक ने जिसको बता दिया है, जो उन्होंने आयुर्वेद यानी हमें कैसे बोले हमारी आयु कि जिससे रक्षा हो सके, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, ऐसा ग्रंथ बनाया, जब उसमें वो कह रहे हैं तो उसका हमें पालन कर लेना ही चाहिए। अब अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखितानि विग्रह पदानि आधृत समस्त पदानि रचयत। अब जैसे ही विग्रह पद लिखा हो और कह दें कि समस्त पद लिखना है, समझ जाइए कि इसमें समास होना है। तो अब यहाँ पे नवम ओदनम नवोदनम, जैसे कि उनने उदाहरण दे दिया कि नवम ओदनम यानी नए चावल, अगर इनका समास किया जाए तो नवम नव यानी नया, ओदनम यानी चावल। अब क्योंकि चावल की विशेषता नव शब्द बता रहा है इसीलिए नव में ओदनम जैसी विभक्ति लग गई, प्रथमा विभक्ति एक वचन। लेकिन अगर जब इसको समास किया जाएगा, इसको संक्षिप्त किया जाएगा तो नव शब्द में लगी हुई विभक्ति लोप हो जाएगी और नव ओदनम में आके जुड़ जाएगा। लेकिन जोड़ते समय हमें ये याद रखना होगा कि कहीं यहाँ पे कोई संधि का नियम तो नहीं लग रहा है कि नव को हम ओदनम में जोड़ रहे हैं तो क्या इसी प्रकार से जोड़ देंगे, नहीं। हमें संधि का भी यहाँ याद रखना होता है। समास हम भले ही समास कर रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं, एक पद बना रहे हैं, दो पदों को जोड़कर एक पद बना रहे हैं, दो या दो से अधिक पद भी हों सबको जोड़कर एक बना रहे हैं, तब बनाते समय हमें संधि के नियम भी देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नव में भी आ था और यहाँ पे ओ था, यानी दो स्वर मिल रहे थे, दो स्वरों के मिलने से निश्चित ही स्वर संधि का नियम लग जाएगा। तो आ और ओ के मेल से कौन सी हमारी बन जाती है, हम बताएंगे कि हमारी वृद्धि संधि बन जाती है, यानी ओ में अ का जब ओ से मेल होता है तो इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया नवोदनम। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या इस प्रकार से हो जाते हैं, भाई होते तो ऐसे है संधि कि ये हमारा लिखा है नव और ये लिखा है ओदनम। ठीक है, अब यहाँ से ओ लिया और यहाँ से क्या लिया, यहाँ से हमने न और ये वा को अलग किया और ये हमारा आ हो गया। ठीक है, अब ये दोनों औ की मात्रा, क्योंकि अब आप इस प्रकार से कर देते कि यहाँ पे औ बना देते और नव नव को हटा के नव औदनम लिख देते तो गलत हो जाता, तो आप कैसे करेंगे इसको, इसको हम पूरी तरह से तोड़ के इसीलिए बता दे रहे हैं जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, ये ओदनम अलग कर दिया। अब आ और औ की आ और जब ओ का मेल होता है, औ का भी मेल होता है, दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, तो ओ या औ होने पर ये हमारा क्या होता है, वृद्धि संधि के नियम से इस ओ में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती तो औ बन जाता है। अब औ अब कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये जो आधा स्वर रह गया है इसमें आके, तो क्या होना चाहिए, बोले औ सीधा आके जुड़ जाएगा, नहीं अपनी मात्रा को भेजेगा तो नव बन जाएगा, नवऊ बन गया। बचा क्या था पीछे, दनम, तो दनम हमने लिख दिया तो नवौ दनम इस प्रकार से बना। ठीक है, बस पहले समास का नियम लगाया कि पहले जो नव शब्द है उसका हमने क्या हटाया, उसकी विभक्ति को हटाया, मूल शब्द को लिया, ओदनम में लगाया, लेकिन ओदनम में लगाने से पहले संधि का नियम लगा दिया और तब नवोदनम शब्द हमारा बना, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अन्नानी पानानी च, अब दोनों ही दोनों में और लगा हुआ है, और का लोप करना है तो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास क्या करता है, जैसे हमने कहा माता और पिता, तो माता और पिता में से और हटा दो तो माता पिता यानी संक्षिप्त शब्द हो गया, और हटाना है, और हटाओगे तो आप क्या ऐसे कर देंगे, भाई हिंदी में तो केवल सिंपल होता है, कह दिया कि भाई और बहन, भाई और
बहन, तो इसमें से सीधा और हटा दो, भाई बहन लिख दो, सो बड़ा सरल होता है हिंदी में, संस्कृत में भी सरल होता है। भाई बहन एक पद बन गया, ठीक है। अब भाई बहन या फिर डैश लगा के लिख लेते हैं, सो भाई, ऐसा बड़ा सरल समास हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ये याद रखना होता है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि अन्नानी चा पानानी चा लिखा हुआ है तो हम बस चा हटा दें और अन्नानी पानानी लिखें, नहीं। ध्यान कीजिएगा, चा हटने के साथ साथ पहले पद की विभक्ति भी हटेगी। तो यहाँ पे अन्न की विभक्ति हटेगी, अन्न की विभक्ति आनी जो लगाया है, फलम फले फलानी, फल में आनी लगता है, तो ऐसे अन्न में भी आनी लग गया, तो अन्नानी हो गया। तो अन्न का मूल शब्द निकाला, अन्नानी में से अन्न निकाला, पानानी में जोड़ दिया, चा को हटा दिया, अन्न की विभक्ति हटा दी और हमने इसमें सीधा जोड़ दिया। अब ना और पा का इधर कोई भी संधि का नियम नहीं लग रहा था, तो सीधा जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना द्वंद्व समास की तरह इसका क्या हो गया, ये हमारा एक पद बन गया, समास हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कह रहे हैं हेमंत च शिशिर च, द्वंद्व समास आ गया। अब इसमें कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है, तो हम विभक्ति हटाएंगे, हेमंत को अलग लगा देंगे, शिशिर को भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ हमें एक परिवर्तन करना पड़ेगा, पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ तो भाई देखिए अन्नानी ये बहुवचन के हो रहे थे, यानी ना एक वचन था अन्नम था, ना अन्ने था, अन्नानी था, यानी ये प्रथमा का बहुवचन था और यहाँ पे भी प्रथमा का बहुवचन था। तो जब यहाँ की बहु विभक्ति जा रही थी तो ये अन्न भी बहुत सारे हो रहे थे और ये भी, यानी मतलब ले देके इसमें हमें पांच छह चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, छह यानी दो से अधिक हो रही थी, ये भी बहुवचन का था, ये भी बहुवचन का था। तो जब हमने इनका लोप किया तो अन्न की विभक्ति ही हमें हटानी पड़ी, पानानी में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, क्योंकि अन्न भी बहुत सारे हैं, पानानी भी बहुत सारे हैं, तो हमने सीधी दोनों के समस्त पद में जो इसकी विभक्ति थी वही बनी रहने दी कि भाई ठीक है, क्योंकि अन्न भी बहुवचन है, पान भी बहुवचन है, दोनों मिला के हमें अंत में बहुवचन ही लगानी थी, विभक्ति सो पहले से ही लगी हुई है, सो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जरूर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक और एक कितने होते हैं, दो होते हैं, होते कि नहीं होते, एक हेमंत मिलाई एक शिशिर मिलाई तो दो ऋतुएं हुई कि नहीं हुई। यहां पे तो अन्न भी बहुत सारे थे, पान भी बहुत सारे थे, तो सब बहुवचन मिलके बहुवचन में ही बदले, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो इसमें भी एक वचन की विभक्ति है, इसमें भी एक वचन की विभक्ति है, तो जब एक एक वचन की दो विभक्ति लगेंगी तो चा और विभक्ति तो हट जाएगी, लेकिन जैसे ये जुड़ेंगे तो ये एक एक मिलके ये दो बन जाएंगे, ग्यारह नहीं होते जो कह देते हैं एक और एक ग्यारह, ये बात भूल जाओ, एक और एक दो ही होते हैं, ठीक है, वो तो है ही ऐसी बात कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इसकी एक वचन और इसकी एक वचन, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, प्रथमा के द्विवचन बन जाएगी, क्योंकि हेमंत और शिशिर अब दो ऋतुएं हो गई हैं, तो दोनों में हम प्रथमा का अंत वाले पद में द्विवचन की विभक्ति लगा देंगे, हेमंत की तो विभक्ति का लोप करेंगे लेकिन शिशिर में ले जाके द्विवचन की विभक्ति लगा देंगे। तो जैसे बालक बालकऊ होता है, ऐसे शिशिर शिशिरऊ हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि हेमंत और शिशिर दो ऋतुओं की बात हो रही है, द्वंद्व समास हो गया। आगे लिखा है हेमस्य आगम आगमी, अब याद रखिएगा कि जैसे पहले पद में ऐसी कौन सी, द्वितीया से लेके सप्तमी तक कोई विभक्ति लगी हुई हो, द्वितीया से लेके सप्तमी तक की, तो उनका समास करना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल प्रथम पद की आपको विभक्ति हटा देनी है और अंतिम में जोड़ देनी है और आपका समास हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि जैसे हेम आगम में, तो हेम में आ है, इसमें भी आ है, तो यहाँ पे कौन सी हमारी दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, तो आप कहेंगे हिम में, केवल हिम में विभक्ति हटाई तो हिम अलग निकाल गया, हिमस्य में से विभक्ति हटी, स्य हट गया, हिम में आगमी को जोड़ना है, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि माँ में आ तो नहीं छुपा हुआ है, बोले छुपा है तो आ और आ के मिल जाने से बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ बनेगा, क्योंकि माँ में भी आ छुपा हुआ है और यहाँ पर भी आ है, दो आ के होने से दीर्घ संधि का नियम लगेगा और जो बड़े आ की मात्रा निकलेगी वो माँ में जाके लग जाएगी, तो हिम हो जाएगा हेमा और आ हट के हो जाएगा गमे, तो हो जाएगा हेमा गमे। एक और बार हम आपको फिर से बताए दे रहे हैं, उसी हिसाब से कायस्य अग्निम, तो हमारी कायाग्नि बनी, अर्कस्य रश्मि, अब अर्कस्य के बाद यहाँ पे कोई आ कुछ था गया,
स्वर था क्या? अर्क में तो हमारे पास अ था लेकिन यहाँ रा था, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अर्क रश्मि सीधा ही लिख दिया। लेकिन इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ वो हम आपको बता दे रहे हैं कि हिमस्य हिमस्य आगमे लिखा हुआ था कि हिम के आगमन पर। तो यहाँ पे पहले तो हमें समास करना है, तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया है कि द्वितीया से लेके सप्तमी तक प्रथम पद में विभक्ति लगी हो तो समझ जाना तत्पुरुष समास हो रहा है, और तत्पुरुष समास को समास करना, समस्त पद बनाना सबसे सरल होता है। प्रथम पद की विभक्ति का लोप करके दूसरे पद में सीधा जोड़ दो और कोई परिवर्तन नहीं करो, आपका समस्त पद बन गया, समास हो गया। तो हमने कहा कि हिम में हिम की विभक्ति हटाई तो हिम को अलग कर दिया, और आग में इसमें हम जोड़े देते हैं। लेकिन इन माँ में भी आ छुपा हुआ है, ये भी स्वरयुक्त है। अगर ये इसमें स्वर ना होता तो ये आधा दिखता हमें, कैसा, या तो हलंतयुक्त दिखता या फिर ऐसा दिखता। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, अर्थात इसमें आ छुपा हुआ है। तो हमने ये हिम को अलग करके इसका आ बाहर निकाल दिया और ये वाला भी आ ले लिया और गमे अलग कर दिया। ठीक है, अब दो आ मिलके अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण मिलकर दीर्घ बना लेते हैं, सुदीर्घ बन गया, दीर्घ बन गया। अब ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? बोले अगर इधर ही जाना था तो इधर हमें परिवर्तन क्यों किया, ये पहले से ही लिखा रहने देता कि अब माँ को आधा करना था इसलिए किया क्या भाई? अगर मान लीजिए कि आप कहें कि हम तो यहाँ लगाए दे रहे, तो ये कैसे बनेगा, हिम आगम के ऐसे बन जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ करना था क्या? बोले हमें तो जोड़ना था, आधा थोड़ी ना छोड़ना था उसको, तो क्या करेंगे? बोले तब ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा आधा व्यंजन रह जाता है वो स्वर को अपनी तरफ खींच लेता है, तो हेम हो जाएगा हेमा, और पीछे का गमे ले लेंगे सो हो जाएगा हेमागमे। ठीक है, ऐसे ही कायाग्निम कैसे होगी, काय और अग्नि, या में छुपा हुआ अ और ये वाला आ, दोनों ही मिलकर क्या बना लेते हैं, आ मिल जाते हैं। वो बड़े आ की मात्रा जाएगी कहाँ पे, या में, तो काय हो जाएगा काया, और बाकी बचा अग्निम यहाँ जोड़ देंगे और हमारा ये इस प्रकार से संधि नियम से हम समास कर देंगे। अर्कस्य तो अर्क की, अर्क शब्द यानी सूर्य, सूर्य की विभक्ति हटा दी तो अर्कस्य बचा अर्क। अब यहाँ पे अ के बाद में कोई यहाँ पे स्वर नहीं था, सो कोई संधि का नियम नहीं लगा, हमने यहाँ पे अर्क और रश्मि भी को साथ में लिख दिया और ये हमारे भाई। और नाम कैसे मिले, बोले षष्ठी विभक्ति हटाई थी इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास ये हुआ। लीजिए यहाँ पे हमने और को हटा दिया था इसलिए ये द्वंद्व समास हुआ। ऐसे नाम, यहाँ विशेषण को विशेष से जोड़ रहे थे इसलिए कर्मधारय समास बना। एक शब्द की दूसरे शब्द विशेषता बताता है, विशेष्य के संग में विशेषण लगा हुआ हो समझ जाना कर्मधारय समास हो रहा है। चले अगला प्रश्न लिखा है, अधोलिखित पदानाम अर्थम मेलनम क्रियताम। आपको नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनके अर्थों का मेलन करना है। जैसे श्लेष्मा को क्या कहा जाता है, कफ कहा जाता है। रोक्ष्यम, श्लेष्मा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कफ, जो हमारे अंदर बनता रहता है। लेकिन वात पित्त कफ ये तीनों ही चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है, चाहे कफ बढ़ जाए चाहे पित्त बढ़ जाए या हमारी वात या वायु बढ़ जाए, तीनों से ही फिर हमें परेशानियां होने लगती हैं और वो हमारे खान पान और हमारी जैसे हमारा नियम पालन होते हैं उनके अनुसार हो जाती है परिवर्तन। श्लेष्मा को कफ कहते हैं, रोक्ष्यम यानी रूखापन, वीर निवातम यानी हवा से रहित, नि यानी नहीं, ओ वात यानी हवा, हवा से रहे तो उसने बात हो गया, निचित यानी निचित का अर्थ होता है बढ़ा हुआ जमा हुआ, पवन यानी वात या वायु, गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का, और वसांश यानी वस्त्र। लीजिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदई सहमेलनम क्रियते। अधोलिखित पदों के आपको विपरीतार्थक पदों को ढूंढना है। उष्णम, उष्णम यानी गर्मी तो उसका उल्टा हुआ शीतम। सीदति यानी दुखी होता तो प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। तप्ता नाम गर्म हुए तो शीता नाम यानी ठंडे हुए। गुरु यानी भारी और लघु यानी हल्के। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, लघु का अर्थ छोटा भी होता है, लेकिन हमारे इस पाठ में गुरु का अर्थ भारी आया है, लघु का अर्थ हल्का आया है। अल्प यानी कम तो अधिक उसका उल्टा हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय चा योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। अब आपको प्रकृति प्रत्यय मिला करके आपको पद का निर्माण करना है। अब कह रहे हैं हेमंत में जब ठक प्रत्यय लगाया जाता है तो क्या रूप बनेगा,
तो यहाँ पे जो ए की मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी, तो हे हो जाएगा हेई, मंत कह, कह उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। हेमंत की जगह इक जुड़ जाता है, भाई ठक प्रत्यय जब लगाया जाता है तो उसमें इक शेष रह जाता है, तो हेमंत हेमंतिक हो जाएगा, लेकिन हे की जो ए की मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, अपनी वृद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। तो हेमंत इक ठक प्रत्यय जिस कभी भी जुड़ता है तो उसका इक जुड़ता है शब्द में, ठीक है, जो शब्द होता है उसमें इक प्रत्यय इक जुड़ जाता है ठक का, ठीक है। तो हेमंत हो गया हेमंतिक, ठीक है, और ए की मात्रा आई में परिवर्तित हो गई। स्नेहक्त, अब देखिए स्नेह में इक्त लगा दिया तो क्या हो गया, स्निग्ध। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इक्त का तो ता शेष रह जाता है, लेकिन ता का मेल भाई हा से हो रहा है या फिर किन किन वर्णों से हो रहा है उसके अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना अपना इक्त प्रत्यय, जैसे इक्त जैसा इक्त्वा होता है दृश्य धातु में, दृश्य धातु में इक्त्वा लगता है तो दृश दृश्त्वा नहीं कहते हम उसको, दृष्ट्वा कह देते हैं, तो शा के मेल से हमारा टा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वर्णों का संयोजन होता है, वर्णों के मेल में ही परिवर्तन, कई क्योंकि संधियों के नियम लगते हैं तो, और प्रत्यय लगाने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो स्नेह में जब इक्त प्रत्यय लगता है तो शेष तो तह ही रहता है लेकिन वो ध में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा जो ह भी परिवर्तित हो गए, गा बन जाता है और ध हमारा ता में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा स्नेह हो जाता है स्निग्ध। भुज में तव्यत लगते से तव्यत प्रत्यय का ता शेष रह जाता है, तव्य रह जाता है, तव्यत का ता का लोप हो जाता है और तव्य शेष रह जाता है। और भुज धातु में उ ओ में परिवर्तित हो जाती है, जा भी गा में का में परिवर्तित होकर भोग तव्य हमारा रूप बन जाता है। सेव, अब सेव में यत प्रत्यय लगाओ तो क्या हो जाता है, ता का तो लोप हो जाता है या शेष रह जाता है, तो हो जाएगा सेव्य। शरद में अण लगने से शारद बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे भाई इसमें केवल ण जो है वो लोप होके अशेष रह जाता है और जो आगे हमारी जो मात्रा होती है लघु वो गुरु में परिवर्तित हो जाती है, तो शरद की जगह हो जाएगा शारद, ठीक है। द में अ मिल जाता है अण प्रत्यय का, ठीक है। तो लीजिए ये हो जाता है आपका पाठ पूरा, अभ्यास कार्य पूरे, और इसी के साथ में ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है magnetbrains.com लिखेंगे, यूट्यूब पे तो मिलते ही हैं लेकिन यूट्यूब पे कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इकट्ठी चैनल पर, तो क्या होता है कि ढूंढने में परेशानी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको नहीं होगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको देखिए एक एक करके अलग अलग लिखी हुई है कि आपको पढ़ना क्या है। किंडरगार्टन से ट्वेल्थ क्लास तक का पूरा अलग सेक्शन बना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग है, एक्स्ट्रा लर्निंग है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अलग है, सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। क्लास इलेवेंथ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लास इलेवेंथ का लीजिए सारे सब्जेक्ट आ गए, संस्कृत भी आ गया है, तो आप वॉच नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाठ मिल जाएंगे सारे, ठीक है, जितने हम आपको बनाते जा रहे हैं। चतुर्थ पाठ पूरा हो गया है तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती जाएगी कि कुशल प्रशासन के अपने तीन लेक्चर हैं, इनमें से अनुवाद एक पढ़ना है, दो पढ़ना है, तीन पढ़ना है, तीसरे में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभ्यास करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो जाएगी और पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट को शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।